हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपके यूट्यूब चैनल 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे आई संबंधी क्वेश्चन, जिसमें एक से लेकर के लास्ट तक कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन में दे रखा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, दे रखा है 4:5 है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है ए और बी, जो इनका आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 है। तो 4:5 आ गया, आगे क्या आ गया, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। देखो 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात कितना हो रहा है, 5:6 हो जाएगा, 5:6। तो आपसे पूछा गया है ए की वर्तमान आय कितनी होगी, तो देखते हैं यहां से। हम देखो यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, इसमें अंतर कितने गए, 6 में से 5 गए तो कितने बचे, 1 का डिफरेंस। इधर भी मैंने अंतर देखा, देखो 5 में से 4 गए तो कितना है डिफरेंस, कुल मिला के इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है। 1 बराबर आपको कितना दे रखा है, यानी 5 वर्ष दे रखा है, तो 1 बराबर कितना आ गया आपके पास, 5 वर्ष। देखो आपसे पूछा गया है, तुम्हारे पास पूछा गया है कि ए की वर्तमान आय कितनी होगी, तो ए की देखो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 5 चौक कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। तो ए की आय हो जाएगी 20 वर्ष, और बी की आय पूछी जाती तो कितनी हो जाती, 25 वर्ष। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 20 वर्ष आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइप से भी बता दे रहे, बेसिक कॉन्सेप्ट से फिर आगे क्या इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइप, दूसरा टाइप देखना है तुम्हें कैसे करना है, देखते हैं सेकेंड टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन फिर ही दे रखा है आपके पास, आपसे ये कहा गया ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4:5 है। मैंने मान लिया इसकी दे रखा है 4x और ये दे रखा है 5x, और 5 वर्ष बाद की बात की गई, तो मैं 5 क्या करेंगे, दोनों में ऐड कर देंगे दोनों तरफ, 5 वर्ष बाद, यानी 5 इसमें भी ऐड कर दी और 5 इसमें भी ऐड कर दी, तो इनकी जो आयु का अनुपात कितना हो जाता, टोटल 5:6 हो गया। तो 6 का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 चौक कितने हो गए, 24x, 6 5 30x, और 5 25 प्लस के 25। देखो अगर 24 उधर जाएंगे तो 25 में से 24 गए तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास, x बचा, और ये 25 इधर आएंगे तो 30 में से 25 गए तो कितने बचेंगे आपके पास, ओनली 5 बचे। तो x बराबर आपकी जो वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो आपसे ये पूछा गया, तो आय पूछी गई, देखो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5 चौक कितने हुए, 20 हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, फाइनली 25 आ जाएगा। तो आपके पास अगर जो इससे करना चाहो तो आप इससे कर सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके पास। अगर जो आपको इससे नहीं करना है तो आपको जो मैं पहले तरीका बताया है आपको उसी से सभी क्वेश्चन को अब लगाना है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो आपको ये देख लेना है, आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो उसी से आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकेंड वाला। देखो सेकेंड वाले में दे रखा है विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 14:17 है। विशाल तथा शेखर, विशाल शेखर इनकी जो आयु का अनुपात दे रखा है 14:17 है, 14 और कितना दे रखा है, 17 है। आगे कहा गया 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से, 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना दे रखा है क्रम से, आपका दे रखा है 4:7 ही है, 4:7 दे रखा है, नहीं नहीं 4 कितना दे रखा है, 6 वर्ष बाद 17:20, 17:20 दे रखा है। यहाँ से लेंगे डिफरेंस निकाल लेंगे उसी तरीके जिस तरीके से पहले किया था, वही सेम क्वेश्चन आपका फिर आ गया। देखो 20 में से 17 गए तो कितने बचे तुम्हारे पास, 3 बचे इधर भी। अगर यहाँ पे 17 में से 14 गए तो भी कितने बचेगी, 3 ही बचेंगे। तो आपको 3 बराबर कितना दे रखा है,
छः दे रखा है, तीन का डिवाइड तो एक बराबर कितना आ गया, तीन दूनी छः, तो एक बराबर कितना पता चल गया आपको, दो पता चल गया। आपसे पूछा गया है कि शेखर की वर्तमान आय कितनी होगी, देखो शेखर की वर्तमान आय की बात करेंगे, ये करंट का रेशियो आपका दे रखा था, ये करंट का मतलब वर्तमान रेशियो होता है वो करंट का आपका रेशियो होता है, तो आपके पास वर्तमान रेशियो कितना दे रखा है, 14:17 दे रखा है, तो फिर दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 14 दूनी जाएगा 28, ये विशाल का आ जाएगा। आपसे पूछा गया शेखर की आय कितनी होगी, तो 17 दूनी कितने हो गई 34 बस, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 34 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर में देखते क्या दे रखा है, फोर में दे रखा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा ए बी की आय, क्वेश्चन नंबर 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी, मतलब कितने लोग दे रखे हैं ए तथा बी, तो इनकी आय दे रखी है कितनी है 4:7, अरे 4:5 आगे दे रखा है 7 वर्ष बाद इनकी आयों का अनुपात, यानी 7 वर्ष बाद, देखो पहले 7 वर्ष पूर्व बोला गया तो अब 7 वर्ष की आय बाद, 7 वर्ष बाद अनुपात कितना होता है 5:6 होता है, 5:6 होता है। तो आपसे पूछा गया तो बी की वर्तमान आय कितनी होगी, जब आपको बी की वर्तमान आय निकालें तो मैंने आपसे बता रखा है कॉन्सेप्ट एक ही करना है आपको यूज, इन दोनों का पहले तो डिफरेंस ले लेंगे, अगर डिफरेंस सेम है तो बराबर में इधर क्या है, एक पूर्व की बात बोले और बाद की बात बोले तो भी आपको क्या करना है ऐड ही आपको करना है, उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है तो साथ साथ कितने हो जाएंगे, इधर 14 वर्ष हो गई, इधर डिफरेंस कितने का है तुम्हारा एक का डिफरेंस, तो एक बराबर कितना दे रखा है 14 दे रखा है 14 वर्ष। तो आपसे पूछा गया शायद बी की वर्तमान आय, देखो बी की कितनी रखी 5 है 14 5 कितने हो जाएंगे 70, 5 × 14 हो गए आपके पास 70, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 70 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को 70, हाँ बी की वर्तमान आय पूछी गई है, तो आप वर्तमान आय के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एक काम आपको और करना पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 वाले में, तो इसमें क्या वर्तमान आय निकालने के लिए, देखो ये तो पूर्व की आय आ गई होगी आपको पता है, ये पूर्व का पहले का ही तो रेशियो दे रखा है, कुल मिला के देखो देखा जाए जैसे यहाँ पे ये 7 वर्ष दे रखा है, ये भी 7 वर्ष दे रखा है, अगर मैं बात करें तो आपके पास 7 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो मैं यही तो होंगी, 7 वर्ष आपकी कमी तो होगी इसमें, अगर मुझे वर्तमान लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें देखो यहाँ पे पूर्व की बात है तो पूर्व के में अगर जो देखा जाए चार जो मैं यहीं पे तो खड़े होंगे भैया, यहाँ तो नहीं खड़े होंगे, तो मैं क्या अभी जैसे यहाँ पे मान लो मैं खड़े हुए हैं, अब मुझे वर्तमान में लाने के लिए, वर्तमान में लाने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा भैया, आपको भी पता है यहाँ पे सीधी सी बात में 7 जोड़ दें तो इसी लाइन पे आ जाओगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी तुम्हारे पास फाइनली वर्तमान में आ जाएगी, तो मैं क्या करेंगे इसमें 7 जोड़ देंगे तो आपका फाइनली जो आंसर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 77 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग शायद आपको समझ में आ गया होगा 7 वर्ष। ये पूर्व का वैल्यू पूछते तुम्हारे पास तो आपका 17 आंसर आ जाता, और जो वर्तमान की बात पूछेंगे तो क्या करेंगे उसमें 7 और ऐड कर देंगे तुम्हारे पास, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, शायद समझ में आ गया होगा आपको, आगे वाले में दे रखा है, अरे रखूरा अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयों का अनुपात दे रखा है 13:17 है, तो 13:17 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर करना है आगे वाला, क्वेश्चन नंबर 5 में देखना है क्या बोला है, क्या है अंजू तथा संध्या की, देखो अंजू है हम नाम दे, अंजू और संध्या दो लोग दे रखे हैं, तो इसमें देखा जाए अनुपात वर्तमान यानी करंट का रेशियो दे रखा है 13:17 यानी करंट का रेशियो दे रखा है कितना है 13:17 है, और 4 वर्ष पूर्व इनकी आयों का अनुपात यानी 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयों का अनुपात कितना हो जाता है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयों का अनुपात होता है 11:15
ग्यारह अनुपात पंद्रह है, तो छः वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से क्या होगा? देखो छः वर्ष बाद की मूँछ, तो मैं क्या करेंगे यहाँ से पहले दो डिफरेंस ले लेंगे, निकालो सत्रह में से पंद्रह गए तो कितने बचे? दो बचे, और तेरह में से ग्यारह गए तो भी कितने बचेंगे? दो। दो बराबर कितना दे रखा है आपके पास? चार, दो दूनी चार, तो एक बराबर कितना आ गया? दो आ गया। दो का क्या करेंगे, मैं मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया है किसकी आयु पूछी गई? हाँ दोनों की अनुपात पूछा गया है। जब मैं दो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखो तेरह दूनी कितने हो जाएंगे? छब्बीस वर्ष, तो कहाँ पर लिख दें? छब्बीस, और इससे तेरह सत्रह दूनी कितने हो गए? चौंतीस। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? वर्तमान आयु छः वर्ष बाद का रेशियो निकालना है तुम्हारे पास। अब छः वर्ष का रेशियो निकालेंगे देखो आपसे पूछा गया छः वर्ष बाद का रेशियो, तो क्या करेंगे छः इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा फाइनली? बत्तीस। इसमें छः जोड़ेंगे तो कितने हो गए? चालीस। आठ पंच चालीस, आठ चौकू बत्तीस, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? चार अनुपात पाँच आपका, जो फाइनली जो आंसर आ जाएगा चार अनुपात पाँच आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई चार अनुपात पाँच आपका सही आंसर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कैसे करना है? सेम वही प्रोसेस करना है, कुछ भी नहीं कठिन है आपको, बस रेगुलर करना है, और रेगुलर आप लगे रहोगे तो आपको मैथ बहुत इजी लगेगा, बहुत ही सिंपल लगेगा। अगर छोड़ दिए वीडियो देखना भी बंद कर दिया, अगर जो नहीं देखे रेगुलर, तो आपको भी मैथ कठिन लगेगा, ठीक है? तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये कहा गया समी तथा तनुज की आयु का अनुपात दे रखा है। देखो समी और तनुज, एक तरफ समीर है, क्वेश्चन नंबर है सिक्स, समीर एक तरफ, दूसरी तरफ दे रखे तनुज है आठ अनुपात पंद्रह, आठ अनुपात पंद्रह दे रखे हैं। नौ वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से ग्यारह अनुपात अठारह होगा। नौ वर्ष बाद, देखो नौ वर्ष बाद ये किसका रेशियो दे रखा है? पहले तो करंट का रेशियो दे रखा है, नहीं वर्तमान का रेशियो दे रखा है। आपसे नौ वर्ष बाद का पूछा गया, नौ वर्ष बाद, नौ वर्ष बाद की बात पूछी गई आपसे। नौ वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ग्यारह अनुपात अठारह होगा। ग्यारह अनुपात कितना होता है? अठारह की बात हुई है, डिफरेंस ले लेंगे यहाँ से भी। कितने का डिफरेंस है? तीन का, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? तीन का ही है, आठ तीन ग्यारह, तो डिफरेंस भी कितना दे रखा है तुम्हारे पास? सेम दे रखा है। जब डिफरेंस सेम है तो आपका क्वेश्चन और सिंपल हुआ, तीन बराबर नौ दे रखा है, तो एक बराबर तीन तरह का कितने हो गए? तीन। एक बराबर कितना आ गया? तीन आ गया। आपसे किसकी आयु पूछी गई है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर सिक्स में दे रखा है, इन दोनों की आयु का अंतर बताना तुम्हें। देखो अंतर डिफरेंस निकाल लेंगे, अगर मैं डिफरेंस ले रहे हैं इन्हें में से डिफरेंस देखो, पंद्रह में से आठ गई तो कितने बचे तुम्हारे पास? सात बचे, क्योंकि डिफरेंस ही तो आपको चाहिए, तो मैं क्यों इसमें मल्टीप्लाई करें बिना फालतू में? तो पहले तो मैंने इनका अंतर ले लिया, पंद्रह में से आठ गए तो सात बचे, और सात बराबर कितना रखा तुम्हारे पास? सात, जब अंतर तुम्हारे पास सात का आ गया, तीन का मल्टीप्लाई कर दो, फाइनली आंसर कितना आ गया? इक्कीस वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। शायद समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर करना है सेवन वाला आपको, तो सेम क्वेश्चन दे रखे, आप लोग लगा भी सकते हो अगर जो देखा जाए सही से, अगर जो प्रैक्टिस करोगे। पहले लगा लेना वीडियो को, रोक करके लगाना, पहले लगा लेना अपने क्वेश्चन, फिर उसके बाद आगे बढ़े एक दो क्वेश्चन करने के बाद, तो आपको भी लगेगा शायद क्वेश्चन मुझे आने लगे हैं, तो उससे आपको फायदा होगा।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर नहीं लगा पा रहे हो तो पहले देख लो, तब उसके बाद दोबारा से कोशिश करना रिपीट क्वेश्चन करने के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर करना है आपको 7 वाला। सेवन में दे रखा है समीर तथा रीना, समीर तथा रीमा की आयु का अनुपात दे रखा है। समीर एक तरफ, समीर है एक तरफ है रीमा, इनका जो अनुपात दे रखा है 9:17, इनकी आयु का अनुपात 9:16 है, 9:16 दे रखा है, 9:16 दे रखा है। आगे आपसे कहा गया है दस वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, 2:3 नहीं, 10 वर्ष बाद बोला गया है, 10 वर्ष बाद, और ये दे रखा है करंट का रेशियो दे रखा है आपके पास, वर्तमान रेशियो जिसे बोलते हो तुम लोग। अगर यहाँ से डिफरेंस लें तो कितने का आ गया क्यों वहाँ परेशान करे हुए खांसी यार, अंतर इसमें भी बताना तुम्हारे पास, देखो इसे घटाया तो अंतर कितने का आया, 13 का। आपको पता है यहाँ पे नहीं हो रहा है सेटिस्फाइड, आपको इधर भी अंतर अलग आ रहा है और इधर भी, तो हम क्या करेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर, यहाँ पे कितना है 5 का, 7 का, 9 7 कितने होते हैं 16 होते हैं, मैंने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो करंट का मल्टीप्लाई करेंगे 9 और कितने हुए 16, 7 2 14, 7 3 21, अब डिफरेंस कितने का है 6 5 11, 5 का, 9 5 कितने हुए 14, तो 5 बराबर आपके पास कितना रखे हैं 10 का दे रखा है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, बस 1 बराबर, जब आपको 2 पता चल गया, अब आपको इस वाले रेशियो से आपको मतलब नहीं ऊपर वाले से कोई, इसे आपको हटा देना है और कहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारे पास सेकंड वाले भी, क्योंकि आपका करंट का रेशियो तो आप तो ये बन गया तुमने मल्टीप्लाई करने के बाद, अब इस वाले से आपको कोई लेना देना है नहीं आपको, तो इसमें आपसे पूछा गया अंतर, देखो पहले तो अंतर निकालने के लिए 16 में से 9 गई तो कितने बचे 9 7 16 यानी 7 बचे, 7 बराबर कितना 7 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, 7 × 2 और 7 2 कितने हो गए 14, बस आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, शायद आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर देखो 8 में दे रखा है, एक पिता तथा उसके पुत्र की वर्तमान पुत्र की आज 10 वर्ष बाद दे रखी है 5:3 है, पिताजी है और बेटा जी है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है 10 वर्ष बाद 5:3 है, तो 5:3 है। देखो आगे कहा गया आपसे 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 होता है, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात होता है कितना हो जाता है 3:1। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 बराबर, 10 और 10 कितने हो गए 20, 2 बराबर कितना रखा है आपके पास 20, डिवाइड देंगे तो 1 बराबर कितना आ गया आपका 10 आ गया, 1 बराबर आपके पास फाइनली 10 पता चल गया। अब देखो आपसे पूछा गया वर्तमान आयु के बीच में अंतर पूछा गया तुम्हारे, मतलब वर्तमान आयु का अनुपात पूछा गया, और ये क्या है 10 वर्ष बाद की बात हो रही है यहाँ पे। अगर यहाँ से देखा जाए 10 वर्ष देखो कितना हो जाएगा 50, 10 × 50, और जो करंट का रेशियो निकालने का वर्तमान का रेशियो क्या करेंगे 50 में से 10 को मैं मेहनत कर देंगे तो आपका वर्तमान का रेशियो आ जाएगा, देखो 10 × 50 और 50 में से 10 मेहनत गए तो वर्तमान का कितना आ गया यानी 40, और वो सी देखो 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितने हो गए 30, और 30 में से 10 गए तो कितने बचे आपके पास 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4, तो फाइनली 2:1 कितना आ गया 1, आपका फाइनली जो आंसर आ जाएगा 2:1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन में दे रखा है देखो, एक वर्ष पूर्व सोनिया तथा गौरी की आयु का अनुपात दे रखा है। देखो सोनिया है गौरी एस और जी, सोनिया और गौरी की आयु का अनुपात दे रखा है कितना है, एक वर्ष पूर्व की बात बोली है, यहाँ पर लिखेंगे एक वर्ष पूर्व, एक वर्ष पूर्व की आयु कितनी रखी है, यानी चार अनुपात तीन अनुपात चार सॉरी तीन अनुपात चार है। आगे देखो सवाल में दे रखा है, एक वर्ष बाद, एक वर्ष, एक वर्ष बाद कितनी दे रखी है आपके पास, एक वर्ष बाद बोला गया आयु का अनुपात क्रमशः दस अनुपात तेरह होगा, दस अनुपात तेरह होगा, दस अनुपात कितना हो जाएगा, तेरह हो जाएगा फाइनली आपके पास। तो भाई आपसे ये बोल रहे हैं, यहाँ से देखो डिफरेंस देख लो, पहले कितने का है, सात का, सात का ही है, नहीं नौ, इधर नौ का है और इधर आपका कितना है, सात का डिफरेंस है, तो यहाँ से तो हो नहीं रहा है आपका सवाल। तो मैं क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तीन का, तो ऊपर वाले में कितने का मल्टीप्लाई, तीन का कर दो, इस वाले में कितने का करने, चार में से और एक का, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई एक का कर दो, तीन तरह का नौ, चातियाँ बारह और एक एकन दस, एकन दस और तेरह एकन तेरह। अब देख लो, अब आपको इससे मतलब है नहीं, इसे हटा दो, अब आपको जो करंट का जो रेशियो आपके पास, इससे मतलब आ गया तुम्हारे पास, तो यहाँ से डिफरेंस कितने का गया, एक का, एक बराबर कितना दे रखा है आपके पास, एक और एक कितने हुए, दो, तो फाइनली एक बराबर आपके पास दो का पता चल गया। तो आपसे क्या पूछा गया, देखो आपसे पूछा गया है सोनिया की वर्तमान आय कितनी हुई, देखो सोनिया की, सोनिया की कितनी है, नौ है, नौ दूनी कितने हो गई, अठारह, लेकिन देखो अठारह तो आ गई, लेकिन सोनिया कहाँ है, एक वर्ष पूर्व की बात यहाँ पे दे रखा, तो ये पूर्व की रेशियो होगी तुम्हारे पास। अगर जो वर्तमान की बात करेंगे तो मैं वर्तमान में क्या करें, एक को मुझे ऐड करना पड़ेगा भैया, एक और इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो गए, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 19 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ई, नाइन का भी ऑप्शन नंबर होगा ई, सभी ई दे रखे इसमें तो 19 वर्ष। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो में आपके पास इतने ही क्वेश्चन करा पाएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल स्टडी 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल कोट के साथ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, जब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इस मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आर एस अग्रवाल का आयु संबंधी क्वेश्चन, आपको पता होगा मैं करा रहे थे पहले एक से लेकर के नाइन क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ वीडियो में, तो नाइन के बाद क्वेश्चन नंबर टेन से मैं स्टार्ट करने जा रही, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर करते हैं टेन वाला स्टार्ट। देखो टेन में दे रखा है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की पुत्री की औसत आय दे रखी है 34 वर्ष। देखो मैन, एक मैन तथा पुत्री, डॉटर डी, इनकी जो औसत आय कितनी दे रखी है 34 वर्ष है। अगर औसत आय की बात, मैंने औसत आपको पढ़ा रखा है, तो औसत आय का मतलब होता है आपको जितने लोग होते हैं उनसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते, तो दो में इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इन लोगों का योग कितना आ जाएगा, 86 68 योग आ गया। देखो आगे सवाल में कहा गया चार वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:5, चार वर्ष बाद, देखो चार वर्ष की अगर जो बात करेंगे यहाँ पे, तो अगर चार वर्ष, अगर जो चार वर्ष अगर जो मैन की बड़ी होगी, अगर जो व्यक्ति की बड़ी होगी तो चार वर्ष, नॉर्मल सी बात, पुत्री की भी बड़ी होगी तो चार और चार कितनी बढ़ जाएंगी टोटल, देखो चार ये बढ़ गई और प्लस चार ये, तो कितनी बढ़ गई टोटल, आठ बढ़ जाएंगी, आठ आठ 16 की 86 लग गई, एक और 6 और एक कितने हो गए, सात,
तो आपको देखो इनका अनुपात दे रखा है, अनुपात दे रखा है एक व्यक्ति और एफ 5:5 14 अनुपात 5 दे रखा है। देखो 14:5 है या 14:5 दे रखा है, इधर देखो कितना दे रखा है 14:5 कितने हो गई 19, तो 19 बराबर दे रखा है तुम्हें 76 के, तो 19 सौ कितने होते हैं 76, तो एक बराबर कितने आ गए 4 के। आपसे देखो क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है सवाल में पुत्री की वर्तमान आय कितनी होगी। देखो पुत्री की वर्तमान आय तुम्हारे पास ये दे रखी है 5 होगी, लेकिन वर्तमान आय की बात करेंगे तुम्हारे पास देखो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 का, 5 चौक कितने हो गए 20 हो गई। जब ये 20 हो गई अब ये तुम्हारे पास वर्तमान नल आपसे पूछा गया वर्तमान आय, और ये जो आय आपको निकल के आई, जो आपकी जो आय निकल के आई ये बाद वाली आय आपकी निकल के आई, और आपको कौन सी चाहिए पहली वाली वर्तमान आय चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे मैं 4 को माइनस कर देंगे, जब 4 को इसमें घटाएंगे तो कितना फाइनली आंसर बचेगा तुम्हारे पास 16 बचेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है सुरेश की आय उसके पिता की आय की याद है। देखो सुरेश की आय सुरेश और पिता यानी फादर, सुरेश की आय दे रखी है, सुरेश की आय उसके पिता की आय से आधी है, मतलब पिता अगर जो 2 साल के होंगे तो सुरेश की आय कितनी होगी 1 होगी। आगे देखो आ गया है 20 वर्ष बाद इनके पिता की आय उसकी आय की 1.5 गुनी हो जाती है, मतलब पिता की आय कितनी होती है 1.5 गुनी, मतलब कितने वर्ष बाद बोला गया है यानी 20 वर्ष बाद, यहाँ पर लिखेंगे 20 वर्ष बाद, डेढ़ गुनी। अगर मैं 1.5 गुनी की बात करें तो 1.5 का मतलब होता है 1 सही 1/2, 2 1 2 3/2 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और जो 3/2 हो गए तो 3 आपका फाइनली यहाँ आ जाएगा और 2 कहाँ आ जाएंगे क्रॉस में मल्टीफाई आ जाएगी। देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 1 का डिफरेंस, तो 1 बराबर आपको कितना दे रखा है 20 वर्ष दे रखा है, 1 बराबर जब 20 वर्ष आपको दे रखा है आपसे किसकी आय पूछी गई, इसमें आपसे पूछा गया पिता की वर्तमान आय कितनी होगी, आपको पता है ये किसका रेशियो दे रखा था यानी करंट का रेशियो दे रखा है यानी वर्तमान का रेशियो दे रखा है, जब आपके पास ये फाइनली वर्तमान का रेशियो दे रखा है तो 20 दूनी मल्टीप्लाई कर देंगे 20 दूनी कितनी हो जाएंगी 40, आपका जो आंसर कितना 2 × 20 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 40 वर्ष, पिता की आय कितनी हो जाएगी 40 वर्ष या 40 ईयर्स जैसे बोलते हो हम। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर करना है 12 में दे रखा है सीता तथा गीता की वर्तमान आय का अनुपात दे रखा है 8:9 है, सीता और गीता देखो एस और गीता कोई दिक्कत है किसी को, सीता तथा गीता की वर्तमान आय का अनुपात दे रखा है 8:9 है, 8:9 दे रखा है। आगे देखो तथा इनकी आयु का आयोग 68 वर्ष है, इनकी आयु का योग कितना दे रखा है 68 वर्ष है। देखो आयु अगर इनकी आयु मतलब टोटल देखा जाए तो कितना दे रखा है तुम्हारे पास 8 × 16 = 17 एक्स बराबर कितना दे रखा है 68, योग यही दी होता है तुम्हारे पास दोनों का ऐड कर लिया 17 × 4 कितने होते 68, तो एक्स बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास 4 आ गया। देखो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे सवाल में पूछा गया है इनकी आयु का अनुपात पूछा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हुआ। देखो 10 वर्ष बाद की मैं बात करेंगे यहाँ से 4 का क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई 8 × 4 कितने हुए 32 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 4 कितने हुए 36 और 10 वर्ष बाद की मैं बात करेंगे तो तुम्हारे पास क्या करेंगे 10 इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे 10 इसमें भी ऐड कर देंगे प्लस में और 10 प्लस इसमें भी ऐड कर देंगे तो कितने हो गए 2 42 हो गई तो इधर 6 46 हो गई। अब काट देंगे इसे किससे कट जाएगा 2 से ही काट दो 21 × 42 और 23 × 2 कितने होते हैं 46 तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा 21:23 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करंट आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन डी। तो शायद समझ में आया देखो मैं बता रहे दोबारा से सीता और गीता का अनुपात दे रखा है 8:9 कितना है 9 है इन दोनों की आयु का योग दे रखा है 68 वर्ष मतलब 68 दे रखा है मतलब आय देखी जाके 8 और 7 कितने हुए नहीं 9 और 8 कितने हुए 17 नहीं 17 एक्स बराबर दे रखा है 68 दे रखा है 17 × 4 कितने होते 68 तो एक्स बराबर कितना आ गया
चार आ गया, जब x बराबर चार आ गया तो मैंने चार का मल्टीप्लाई कर दिया, आठ चौक कितने हो गए 32, नौ चौक कितने हो गए 36, तो यहाँ पे 36 आ गया। तो आपसे ये पूछा गया 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो मैंने क्या किया इसमें 32 दे रखा, जो 32 दे रखा 32 में कितने ऐड कर दिए, 10 इधर भी ऐड कर दिए और 10 मैंने इधर भी ऐड कर दिए, 32 और 10 कितने हो गई 42 हो गई और 36 और 10 कितने हो गई 46 हो गई, इन्हें काट दिया तो 21 अनुपात कितना आ गया 23 आपका फाइनली आंसर आ गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 13 में कहा गया है सरिता की वर्तमान आय उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, मतलब देखो सरिता और पुत्र आय से वर्तमान कितनी रखी 5 गुनी, मतलब ये सरिता जो 5 साल की होगी तो पुत्र कितने को होगा 1 साल का होगा। आगे देखो सवाल में कहा गया है 5 वर्ष पहले इनकी आयु पुत्र की आय की 25 गुनी थी, 5 वर्ष पहले की बात की जाए, देखो यहां पर कहेंगे 5 वर्ष पहले कितनी रखी पुत्र की आय की 25 गुनी, देखो सरता की अगर जो 25 होगी तो यहां पे पुत्र की कितनी होगी 1 होगी, तभी तो भैया 25 गुनी होगी, क्योंकि आपका देखो सरता पहले 5 गुनी थी तो पुत्र 1 साल का, जब जो सरता का जो 25 की होगी पुत्र कितना का दे रखा है 1 का दे रखा है, तो आपको मैंने बता रखा था इसका अगर जो पहले डिफरेंस लेते हैं डिफरेंस अलग अलग अलग, तो मैं क्या करेंगे इन दोनों का अंतर ले लेंगे अब, तो देखो इनमें अंतर कितने का है 24 का, तो 24 का ऊपर मल्टीप्लाई, इन दोनों में डिफरेंस 5 में से 4 1 गया तो कितना बचा 4 बचा, तो नीचे 4 का मल्टीप्लाई क्रॉस, देखो 0 देखो 24 चलो नीचे करा दे रहे 24 और 5 चौक 20 की 0 वहाँ से लागी 2 5 दो 10 10 और 2 कितने हो गए 12 120 हो गया, इधर करते 25 चौक कितने हो गए 100 हो गए और 4 एकन 4, तो आपको इस वाले रेशियो से अब कोई मतलब ही नहीं है, हमने आपसे बता रखा है जब यहाँ पे निकाल लेते जब अंतर आ जाता तो इससे ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, देखो इधर से घटाएंगे तो भी कितना डिफरेंस है तुम्हारा 20 का, इधर से भी डिफरेंस लेंगे तो भी कितना है 20 का, यही तो डिफरेंस आया तुम्हारे पास, तो 20 बराबर कितना दे रखा है 5 का दे रखा है, 20 बराबर कितना है 5 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5/20 आ गया, 5 चौक 20 फाइनली कितना आ गया 1/4 आ गया, जब 1/4 आ गया तो आपसे देखो क्या पूछा गया सवाल में, आपसे पूछा सरता की वर्तमान आय कितनी होगी, देखो सरता की वर्तमान आय की बात करेंगे तो सरता की वर्तमान आय कितनी है इतनी दे रखी है, करंट रेशियो दे रखा था तुम्हारे पास 120 है, तो 120 का क्या करेंगे 120 का 1/4 चातियाँ 12, तो अगर जो बात की बात करेंगे तो सरता की वर्तमान आय कितनी हो जाएगी आंसर 30, क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा ए 13 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो देखो शायद समझ में आ गया, देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ तक देखो सरता और पुत्र की वर्तमान आय दे रखी थी तुम्हारे पास, जैसे ये दे रखा था आपका करंट का रेशियो दे रखा था यानी 5:1 दे रखा है, तो हमने क्या किया नीचे दे रखा था 5 वर्ष पहले सरता की आय तुम्हारे पास पुत्र की आय से कितनी दे रखी थी 25 गुनी दे रखी, जब सरता की आय 25 गुनी दे रखी तो मैंने क्या किया इनमें दोनों में डिफरेंस लिया तो अलग अलग आ रहा दोनों तरफ डिफरेंस, तो हमने इनका अंतर ले लिया कितने 24 का, तो मैंने ऊपर 24 का मल्टीप्लाई, इनका अंतर कितने का है 4 का, तो मैंने 4 का नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 25 का मल्टीप्लाई 25 चौबीस 100 होते हैं तो अरे 24 पंचे कितने होते हैं 120 और 24 एकन 24 आ गए यहाँ पे, तो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई देखो ऊपर डिफरेंस कितने का तुम्हारा 4 का, तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई 25 चौबीस कितने हो गए 100 और 4 एकन 4 आ गई, इन दोनों के डिफरेंस बीच में कितना गया 20 और इधर भी कितने का है 20, तो 20 बराबर आपको कितना दे रखा है 5 वर्ष पहले यानी 5 आ गए तुम्हारे पास, तो 20 का डिवाइड देंगे तो कितना आ गया 5/20 आ गया, तो फाइनली घटने के बाद कितना आ गया 1/4, आपसे पूछी कि सरता की आय सरता की आय करंट आप कितनी होगी तुम्हारे पास, आपको इससे हमने बोला कि मतलब नहीं है तो आपको इससे मतलब है तुम्हारा फाइनल जो रेशियो बना, तो 120 तो 1/4 4 का डिवाइड दे 4 3 12 तो फाइनली आंसर कितना हो गया 30 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज समझ में आ गया होगा आपको, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर दे रखा है 14 में ये कहा गया है बीड़ा की वर्तमान आय 15 वर्ष है, मतलब बीड़ा की जो वर्तमान आय दे रखी है 15 वर्ष है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे देखो कहा गया 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष पहले आय उसके पुत्र की उस समय की आयु की 25 गुनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला कराना आप, सॉरी क्वेश्चन में करा चुके वही 13 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, देखो बीड़ा की वर्तमान आय कितनी है 15 वर्ष है। देखा बीड़ा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, बीड़ा बी और आर, बीड़ा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है 5:7 दे रखा है, 5:7 दे रखा है। आगे कहा गया दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, दिनेश तथा राहुल, देखो दिनेश तथा राहुल की आयु कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है, दिनेश और राहुल, दिनेश और राहुल 5:3, दिनेश और राहुल, दिनेश और राहुल। देखो तो दिनेश की कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 5 दे रखी, तो मैं क्या करें राहुल के सीध में राहुल को रख लिया, दिनेश को मैंने क्या कर दिया दूर कर दिया यहाँ से, ये डी हो गया। अब इसे तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा सही से, तो आप यहाँ पे कितने आ जाएंगे 7 आ गए, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 3, 5 का नंबर पास में 7 × 7 = 35 और 7 × 21 और 5 × 15। देखो ये तो आपका रेशियो आ गया, आपसे तुम्हारे पास सवाल में आपसे पूछा गया, सवाल में ये कहा गया सरता की वर्तमान आय कितनी होगी, देखो पहले की आय निकली है तुम्हारे पास, तो क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे मैं सरता की पूछी गई है नहीं, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी हुई, देखो 4 वर्ष बाद दिनेश की ये दे रखी है कितनी दे रखी 35 वर्ष, और 4 वर्ष की बात करेंगे 4 क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, 4 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा फाइनली 39 वर्ष, जो आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 39 वर्ष आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है। पंद्रह में दे रखा है मीना की आय उसकी पुत्री की आयु की 8 गुनी है, गुना है मीना और पुत्री सन या डॉटर मीना की आय उसकी पुत्री की 8 गुनी है, गुना है, तो ये 8 होगी तो ये कितनी होगी 1 होगी। आगे देखो कहा गया है 8 वर्ष बाद मीना तथा पुत्री की औसत आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद, देखो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद की बात करेंगे, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 कितना है 3, 10:3 है। मीना की वर्तमान आय से याद करनी है, देखो यहाँ पे भाई आपको तरीका, यहाँ पे कितने का डिफरेंस 2 का, इधर भी डिफरेंस कितने का है 2 का है, तो 2 = कितना दे रखा है आपको 8 दे रखा है, तो 1 = कितना आ जाएगा 4 वर्ष आ गया, 1 = 4 वर्ष आ गया। आपसे क्या पूछा गया मीना की 8 × 4 कितने हो जाएंगे 32 आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 32। तो मीना की वर्तमान आय कितनी होगी, तो मीना की वर्तमान आय होगी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 15 का ए, 8 × 4 कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 8 × 4 = 32 वर्ष, शायद समझ में आया आ गया होगा आपको। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 वाला, माँ भाई और मैं यहाँ पे 3 लोग दे रखे हैं। देखो सवाल में देखो क्या कहा, ऑप्शन से इसे करते हैं थोड़ा, ऐसे ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है 40 वर्ष, माँ की आय कितनी थी, माँ की आय पूछी गई तो 40 वर्ष होगी
या बी मैं दे रखा 44, 36, सी में दे रखा है 44 वर्ष और डी में दे रखा है आपके पास 42 वर्ष। देखो सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में ये कहा गया मैं अपने भाई से आयु के 1/3 गुना बड़ा हूँ। देखो इसका अगर जो मैं 1/3 गुना करें तो इसका 1/3 नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। और इसका 1/3 गुना कितना होता है, 1/12 हो जाएगा तुम्हारा। और यहाँ से देखें तो कितना आ जाएगा, 1 और कितना हो जाएगा 12 की बात, देखो 3 × 1 = 3 तो 4 × 12। तो ये तो हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है आपका, ऑप्शन ना ये हो सकता है ना ही ये हो सकता है। आगे देखो सवाल में कहा गया है, सवाल में ये कहा गया है कि 4 वर्ष पहले में आपके भाई की वर्तमान आय के बराबर था, माँ की वर्तमान आय कितनी होगी 4 वर्ष पहले। देखो अब मैं देखा 3 गुना, देखो मैं किसका कर सकते हैं, अगर मैं 3 की बात करें, देखो 3 गुना, देखो इसका 1/3 गुना हो सकता है, नहीं होगा इसका भी, तो इसका कितना हो जाएगा 1/3 गुना करेंगे तो इसका 1/3 गुना हो जाएगा जो 4 वर्ष। तो आपके पास अगर जो इसका करेंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका 3 गुना हो रहा है और इसका 3 गुना नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 17 में ये कहा गया है राम की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी है। राम पुत्र निशन 3 गुनी, देखो राम 3 का होगा तो पुत्र कितने साल का होगा, 1 साल का होगा। आय कहा गया उसके पिता की आय का 2/5 है, मतलब पिता की भी आय दे रखी भैया, इसे यहाँ पे कर लो साइड में हटा लो इसे, 17 क्वेश्चन नंबर, पिता यानी फादर होंगे तो उसकी आय का कितना दे रखा है 2/5। अगर 2/5 में यहाँ कर दें तो 5 कहाँ आ जाएंगे, आपको भी पता है पिताजी बड़े होंगे और बेटा छोटा होगा तो 5 आ गए आपके यहाँ पे, आ गए तो 5 इधर आ जाएंगे, जब 5 इधर आ गई तो इसके पास में कौन सा नंबर आ जाएगा, 2 आ गया, यहाँ पर कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो देखो कर लेंगे भाई, 2 × 2 = 3 × 6 और 5 × 3 कितने हो गए 15। देखो आपसे क्या पूछा गया, आगे इन तीनों की औसत आयु कितनी है 40 वर्ष है, औसत आयु दे रखी 40 वर्ष है। देखो 15 × 6 कितने हो गई, 15 × 6 = 21, 21 × 2 कितने हो गई 23, 23 बराबर कितना दे रखा है 40 वर्ष दे रखा है। ये कितने लोग देखो 40 वर्ष, 1, 2, 3 लोग दे रखे हैं, 3 लोग दे, देखो एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है, उसमें 3 का क्या कर दोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 × 2 कितने होते 40, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6, तो 1 बराबर आपका 6 आ गया। तो देखो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा राम तथा पिता की आयु में अंतर, देखो राम और पिता कौन दे रखे, राम और पिता अंतर कितना है 15 में से 6 गए कितने बचे 9, 9 का अंतर है 9 × कितना कर दो 6, तो फाइनली कितना आ गया 54 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 54 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 54 वर्ष, ऑप्शन नंबर ई शायद होगा फिर तो 17 का ई ऑप्शन नंबर सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 17 का 54 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर करना है आपको 18 देखते हैं 18 में क्या दे रखा है। 18 में कहा गया है दीपक की वर्तमान आय उसके पुत्र की आय से 3 गुनी है, दीपक की वर्तमान आय उसके पुत्र की आय भी कितनी दे रखी है 3 गुनी दे रखी है, दीपक और पुत्र दे रखे हैं, दीपक और पुत्र, दीपक की आय पुत्र की आय से कितनी दे रखी 3 गुनी, तो ये 3 होगा तो ये कितने का दे रखा है 1 वर्ष का है। आय कहा गया 5 वर्ष बाद इनकी आयों का अनुपात 34:13, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आयों का जो अनुपात दे रखा कितना है 34:13 दे रखा है, 34:13 कितना है 13, तो
आपसे पूछा गया है दीपक की वर्तमान आय कितनी होगी। अब देखो दीपक की वर्तमान आय निकालनी है तुम्हारे पास, ये करंट का आपको रेशियो दे रखा है, ये करंट का रेशियो दे रखा है तुम्हारे पास, अभी करंट का रेशियो दे रखा है तुम्हारे पास। तो वर्तमान आय देखो यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगी, तो 12 का डिफरेंस आपका अंतर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करेंगे इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, अंतर कितने का है यहाँ पे अंतर, तो 11 का अंतर नहीं, 11 का नहीं, 21 का अंतर है, और यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 दूनी किस्तियाँ कितने हो गई 63, 21 एकन 21, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 34 दूनी 8 और 6, इधर मल्टी 13 दूनी कितने हो गए 26। यहाँ से देखो अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है, मैंने आपसे बोला है तब पहले निकालते हैं, तो बाद में जब रेशियो निकालते हैं जब बराबर नहीं होता तो क्या करते हैं दूसरे से आपको मतलब होता है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं, तो नीचे अच्छे आ जाते हैं। देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 26 में से 21 गए तो कितने बचे 5 बचे, उसी तरीके से अगर यहाँ पे 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 5, तो इधर भी अंतर कितने का है 5 का है, यानी 5 बराबर कितना दे रखा है 5 के, 5 बराबर कितना है 5 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर जब 1 आ गया तो आपसे क्या पूछा गया है, देखो सवाल में क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया है तो दीपक की वर्तमान आय कितनी होगी, दीपक की वर्तमान आय कितनी होगी, तो दीपक की वर्तमान आय कितनी आ जाएगी 63, ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं, 1 बराबर जब 1 के दे रखा है तो दीपक के मतलब 63 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो भी कितना रहेगा 63 ही आपका आंसर रह जाएगा, 63 बस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर करना है आपको 18 19, 18 करा दिया है, 19 देखते हैं, 19 में कहा गया है रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात दे रखा है 15:17, राखी और रंजना, रंजना दे रखा है, और राखी, रंजना और राखी का अनुपात दे रखा है, रंजना और राखी का अनुपात कितना दे रखा है 15:17, 15:17 कितना दे रखा है 17, 15:17 आ गया, आई का आ गया 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 कितना है 10 है, 6 वर्ष बाद देखो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद अनुपात कितना दे रखा है 9:10 है, 9:10 हो गया, तो आपसे ये पूछा गया 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी, आपको क्या निकालना है रंजना की आयु बतानी है आपको, 6 वर्ष बाद भी वो भी बतानी है, तो देखो यहाँ से पहले डिफरेंस ले लेते हैं, तो कितना बचा 7 का बचा, तो इधर डिफरेंस कितने का आ जाएगा 6 का आ रहा है, तो नहीं नहीं होगा, तो फिर भैया आपके पास लॉजिक का तरीका क्या होता है, इसमें डिफरेंस कितने का है 1 का, तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई, इसमें डिफरेंस कितने का है 2 का, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका करंट का रेशियो दे रखा है, देखो 15 एकन 15, इधर कितना हो जाएगा 17 एकन 17, 9 दूनी 18, 10 दूनी कितने हो गए 20, अब देखो डिफरेंस कितने का आ गया 3 का, 3 बराबर कितना दे रखा है तुम्हारे पास 6, तो 1 बराबर कितना आ गया 2, 3 दूनी कितने होते 6, 1 बराबर आपका 2 आ गया, तो आपसे ये पूछा गया रंजना की वर्तमान आय कितनी होगी, रंजना की 6 वर्ष बाद आय कितनी होगी, देखो 15 दूनी कितने हो गए 30, और 6 वर्ष की बात कर पूछिए तो 6 क्या करेंगे ऐड, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 36 वर्ष, आपका आंसर आ जाएगा 36 वर्ष, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर डी, 19 का आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी आंसर करेक्ट ऑप्शन सही। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 20 वाला, देखो 20 में कहा गया है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग दे रखा है 45 वर्ष है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 वाला था,
यहाँ पे थोड़ा सा 18 लिख दिया, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 19 है। आप क्वेश्चन नंबर करेंगे 20 वाला, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कहा गया है, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग दे रखा है 45 वर्ष, मतलब दोनों को योग कितना दे रखा है 45 वर्ष है। पांच वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, मतलब कितना बोला कि 4 गुना था। आगे आपसे कहा पिता तथा पुत्र की आयु क्रम से कितनी हो, देखो ऑप्शन से इसे भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 वाले में, क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन ए में दे रखा है, कितना दे रखा है 35 और 10 है, 35 वर्ष और कितना दे रखा है 10 वर्ष दे रखा है। आगे दे रखा है 36 वर्ष और 9 दे रखा है। आगे दे रखा है 37 और 8 दे रखा है। लास्ट में दे रखा है 39 और 6। दोनों का योग कितना दे रखा है, दोनों लोगों का योग की बात करें दो लोगों में दे रखा है 45 वर्ष दे रखा है। अगर इन दोनों का योग किया तो कितना हो गया 45 हो गया, 9 6 15 ये भी 45 होगा, ये भी ऑप्शन हो सकता है, 8 7 15 और ये कितने हो 5 और एक हाथ से जोड़ेगा वो भी कितना होगा 45 होगा, 9 6 15 ये भी 45, कुल मिला के चारों ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखो आप क्या करते हैं, अब सवाल में ये कहा गया 5 वर्ष पहले का गुणनफल पिता की आय को, देखो हमें 5 वर्ष पहले की बात करेंगे, इसे हम जो 5 घटाएंगे तो कितने हुए 30, इसमें 5 घटाएंगे तो कितने हुए 10, 5 बचे तो गुणनफल पूछा गया तो कितना हो गया इनका 150। आपसे पूछा गया इनका आयु जो है वो 4 गुनी थी, तो वो 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 4 5 20 और 4 3 12 13 14 हो गए नहीं होगी, तो ऑप्शन ये तो आपका गलत है। अब इसमें देखते हैं इसमें कितने, देखो 5 घटा देंगे कितने हो गए 31, इसमें घटाएंगे तो कितने बचे 4, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करते तो कितना होता है 4 1 4 4 3 12 कितने हो गए 124। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 5 24 की 4 हाँ से लागी 2 4 3 12 13 14 देखो 4 3 12 13 14 ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, तो देखते हैं बच्चों ने एक क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ पे 144 यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन ऐसे भी रफ करा दे रहे हैं, यहाँ से जैसे यहाँ पे घटाया था ये 36 दे रखा था, मैंने क्या किया था 5 को माइनस किया तो कितना आ गया तुम्हारे पास 150 नहीं बांध दिया 15 नहीं 150 आ गया। इसका देखा जाए इसका मुझे ही निकालना था गुना, केवल 4 3 12 1 12 मतलब तो कितना होगा तुम्हारे 120 होगा, आपका 150 नहीं हो रहा है। तो यहाँ से 5 घटाया तो यहाँ पे कितना आ गया था 4, तो यहाँ से 5 घटाए तो कितने आ गई 31 आया 31 आ गया, और इधर घटाएंगे तो कितना बचा तुम्हारे पास 4 आ गया, तो 4 1 4 4 3 कितने हुए 12, 100 कितने हो गई 124। अब क्या करेंगे जितना ही डिफरेंस हो, मतलब गुना तभी हो सकता है जिसका डिफरेंस इनके बीच में 4 का आता है, वही आपका आंसर भी हो जाता देखा जाए तो। अब देखो जो करंट कर यही तो दे रखा था तुम्हारे पास 31 में, अगर जो मैं 4 का मल्टीप्लाई करें 4 गुने की बात करेंगे 31 को देखो 4 1 4 और 4 3 कितने हो गए 12, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी वाला, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, ऑप्शन बी सी और डी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों शायद समझ में आ गया, देखो मैंने क्या किया यहाँ से देखो 5 घटाए 31 हो गए, 5 घटाए तो कितने हो गए 4 आ गई, तो मैंने 31 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो भी कितना आ गया तुम्हारे पास 124 आ गया। आपसे 4 ही गुना की तो बात की गई थी, तो मैंने 4 तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई फिर मैंने 31 में कर दिया तो भी कितना आ गया आपका 124 ही आएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कितने मिनट का हो गया नॉर्मल वीडियो,
आगे क्वेश्चन में दे रखा है, 21 वाले में कहा गया है 10 वर्ष पहले पिता पिता की आय दस वर्ष पहले पिता की आय पुत्र की आय से तीन गुनी थी। पिता की आय पुत्र, देखो 21 वाला, पिताजी और तीन गुनी, पिताजी 3 साल के होंगे तो पुत्र कितने साल का होगा, 1 साल का होगा। आगे कहा गया 10 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय से दो गुनी होगी। हाँ हाँ लकी, अरे मैं कोचिंग पढ़ा रहा है, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 वाले, पिता और पुत्र का 3:1 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर, और आगे पूछा गया है, यहाँ पे कहा गया था 10 वर्ष पहले, तो ये क्या दे रखा है क्वेश्चन, यहाँ पे लिखते हैं 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले दे रखा है 3:1। आगे कहा गया 10 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय से दो गुनी होगी। 10 वर्ष बाद नहीं, 10 वर्ष बाद वर्ष पुत्र की आय से दो गुनी होगी, मतलब 2 होगी, तो इधर कितना होगा, 1 होगा, यही तो बोला गया। और आगे सवाल में आपसे पूछा गया है, आपसे ये कहा गया है वर्तमान आय का अनुपात कितना होगा, दोगुनी होगी, इनकी वर्तमान आयों का अनुपात कितना, देखो यहाँ से डिफरेंस ले लेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो 0 का डिफरेंस है, तो इसमें ऊपर वाले में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पता है 1 का और इसमें 2 का, तो 3 और कितना आ जाएगा, 1, 2 2 4 और 2 1 2, आपको इस वाले से आप मतलब नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, तो कितने का अंतर है, 1 का, इधर भी 1 का, कुल मिला के 1 का डिफरेंस आ गया, इधर भी कितने का आ गया, 1 का। 1 बराबर देखो 10 और 10 कितने हो गए, 20, 1 बराबर आपको दे रखा है 20 वर्ष दे रखा है, तो फाइनली इनका ये करंट का रेशियो दे रखा है। आपसे क्या पूछा गया, देखो अनुपात पूछा गया है, तो कितना हो गया 60 और 20, तो इसे काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 21 का, देखते देखो। अब क्या पूछा गया तुम्हारे पास, आपसे सवाल में आगे कहा गया है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, देखो यहाँ पे क्या दे रखा था आपसे, पहले दे रखा है, वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 7 भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सॉरी 10 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड, तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका फाइनली, तो 70 आ गया, इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितने हुए, 30, इसे कैंसिल कर देंगे तो 7:5 फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 7:3 आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शायद समझ में आ गया होगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22 में दे रखा है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 13:17 आगे दे रखा है 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 15:17 चार वर्ष पहले चार वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात दे रखा 11:1 कितना है 15 है, तो 11:15 दे रखा है, तो आगे कहा गया 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, देखो 6 वर्ष बाद आपको निकालना है, तो यहाँ से देखो डिफरेंस ले लेंगे पहले, तो डिफरेंस कितने का है, 2 2 का ही दोनों तरफ दे रखा, 2 बराबर कितना दे रखा है 4, तो 1 बराबर कितना, 2 2 4, तो 1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया आपका, जब 1 बराबर आपका 2 आ गया, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 6 वर्ष बाद
आयों का अनुपात पूछा है, देखो क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 17 दूनी कितने हुए, 34। और 6 वर्ष की बात पूछी है तो क्या करेंगे, 6 इसमें ऐड कर देंगे, इसमें भी 6 ऐड कर देंगे और 6 इसमें भी ऐड कर देंगे, 6 6 12 एक दो वहाँ से लगी, 1 2 और 1 कितने हुए, 3, और इधर ऐड करेंगे 40, तो 8 से काट देंगे, 8 चौकू 32, 8 5 40, जो आपका आंसर आ जाएगा 4:5:5 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 4:5:5, ऑप्शन नंबर ई आपको ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। हेलो दोस्तों नमस्कार, आपके यूट्यूब चैनल Study99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं करा रहे आयु संबंधी क्वेश्चन, जिससे आपको पता होगा कि 1 से लेकर के 22 क्वेश्चन करा चुके हैं वीडियो में, और अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 23 वाला। देखते हैं 23 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है, एक वर्ष पूर्व एक महिला की आय अपने पुत्र की आय से 4 गुनी थी। तो देखते हैं, देखो पुत्र की आय अगर जो देखा जाए, पुत्र की आय एक्स है, तो महिला की आय और 4 गुनी की बात करने, जब देखो पुत्र की आय एक्स है तो महिला की आय कितनी हो जाएगी, यानी 4x। देखो आगे सवाल में ये कहा गया है, आपसे ये कहा गया था 6 वर्ष बाद उसकी आय उस अपने पुत्र की आय के 2x से 5 अधिक है। देखो 6 वर्ष बाद की, देखो अगर जो देखो पहले ही बोला गया था एक वर्ष पूर्व दे रखा है, सबसे पहले एक वर्ष अगर जो पूर्व की बात हो रही, तो आपको वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे देखो ये कितना दे रखा है, एक्स प्लस वन कर दिया, सॉरी यहाँ पे 4x + 1 बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस कितना कर दिया, 1 कर दिया। अब 6 वर्ष बाद की बात हुई है, तो 6 वर्ष बाद की बात हुई तो दोनों तरफ मैंने कितना जोड़ दिए, 6 इधर जोड़ दिए और 6 इधर जोड़ दिए। आपसे ये कहा गया है महिला क्या है, पुत्र की आय से 2x से 5 अधिक है, 2x से, देखो 2x की अगर जो मैं बात करेंगी तो 2x का महिला की अगर जो आय पूछी जाएगी तो मैं इधर मल्टीप्लाई करेंगी, और पुत्र की पूछी जाए, एक सवाल कर 5 देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। एक आगे देखो 4 इधर आ जाएगा 4x और इधर कितने हो गए 7। देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगी कितने हो जाएंगे 2x। देखो 6 और 1 कितने हुए 7, 7 2 कितने हुए 14 प्लस कितने हुए 5। अगर इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास, 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे तुम्हारे पास 2x बराबर। देखो 7 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, 14 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 7, और 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, तो आपकी फाइनली 12 बचे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। जब आपका एक्स बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, तो आपसे क्या पूछा गया है, देखो आपसे पूछा गया है इनकी वर्तमान आय का अनुपात ज्ञात करना है। देखो वर्तमान आय का, देखो कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास ये, यानी 6, और इसकी बात करेंगे 6 चौकू कितने हुए 24। देखो वर्तमान आय की कैसे निकालेंगे तुम्हारे पास, अब अगर जो पूर्व के निकल के आई तुम्हारे पास, पूर्व में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे इस वाले में, 1 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया, और इधर 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 25 हो गया, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7:25 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। आपसे पूछा गया आए तो 25:5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से तुम्हारे पास पूछा गया, देखो महिला की आय पूछी गई, महिला का अनुपात पूछा गया तो 4 कितना आ जाएगा 25, और पुत्र की पूछा गया तो कितना हो गया 7, तो इसे लिख सकते हो तुम लोग 25:7 ऑप्शन नंबर डी। देखो दोबारा बता रहे ले, देख लो हम तो देखो जैसे ये दे रखा था एक्स की, मतलब इसकी आय कितनी दे रखी है, एक्स दे रखी है, महिला की आय कितनी दे रखी, 4x दे रखी है, तो यहाँ पे ये कहा गया था एक वर्ष पूर्व की बात बोली थी, वर्तमान आय पूछा गया आपसे, तो वर्तमान के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ मैंने एक को इधर भी ऐड कर दिया, एक को मैंने इधर भी ऐड कर दिया, ठीक है, और फिर बोला गया 6 वर्ष बाद की बात हुई थी तो 6 मैंने इधर भी जोड़ दिया और 6 इधर भी जोड़ दिया। फिर आगे सवाल में कहा गया है इसकी आय
मैला किया, दोगुनी से पांच अधिक दे रखी थी, तो दोगुनी की मैला की बात तो ये हुई तुम्हारे पास। तो पुत्र वाले में तो मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने दो का मल्टीप्लाई इधर कर दिया और कितने जोड़ दिए, पांच जोड़ दिए इस वाले में, दो का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यानी टू एक्स आ गया, और छः और एक कितने हुए सात, सात दोनों कितने हुए चौदह प्लस पाँच हो गई, इसमें किया तो छः और एक कितने हुए सात, तो देखो इधर आएंगे तो कितने बचे तुम्हारे पास टू एक्स, चौदह में से सात जाएंगे कितने सात, सात और पाँच कितने हुए बारह, तो एक्स ही काट दिया तो एक्स और कितना आ गया छः आ गया तुम्हारे पास, यहाँ से निकाल ली देखो छः आ गई और छः चाकू चौबीस, और एक वर्ष पूर्व की बात है नहीं वर्तमान में डालने के लिए क्या करेंगे, उसमें एक मैंने ऐड कर दिया तो ये हो गई सात, और ये वाले कितने हो जाएंगे पच्चीस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट, शायद समझ में आ गया होगा आपको, तो नहीं तो वीडियो क्वेश्चन नंबर देखो 24, देखो 24 में कहा गया है एक लड़के की आयु, एक लड़के की आयु पिता की आय के तीन गुनी दे रखी है, एक लड़के की आयु देखो फादर और वॉइस तीन गुनी दे रखी है, तो आप पिताजी तीन साल के होंगे तो लड़का कितने साल का होगा, एक साल का होगा। आगे देखो कहा गया है एक तिहाई दे रखा है, देखो एक तिहाई का मतलब अगर जो लड़का अगर जो एक साल का होगा, देखो एक तिहाई इसी तरीके से लिखोगे तो मैंने क्या किया तीन का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तीन अनुपात कितना आ गया एक आ गया। तो आपसे देखो आगे कहा गया बारह वर्ष बाद लड़के की आय पिता की आय से कितनी आधी है, यानी यहाँ पे लिखेंगे बारह वर्ष बाद, बारह वर्ष बाद लड़के की आय पिता की आय की कितनी है आधी है, तो ये एक होगी तो ये वाली कितनी होगी दो होगी, यानी पिताजी दो साल के होंगे तो अब पुत्र कितने के होंगे एक साल के होंगे। तो आगे देखो दे रखा है सवाल में तो लड़के की वर्तमान आय कितनी होगी, देखो लड़के की आय याद करना है तुम्हारे पास, मैंने तरीका आपसे बता रखा है, देखो इधर अगर जो डिफरेंस बराबर आता है और इधर बराबर आता है तो कर लेते सीधा, नहीं आया तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं कर रही इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है एक का, इसमें कितने का डिफरेंस है दो का, ऊपर कितने का मल्टीप्लाई कर दो एक का और नीचे मल्टीप्लाई कर दो दो का, तो ये आ जाएगा तीन एक चार और दो, देखो अंतर कितने का आ गया अब सेम आ गया, इधर भी एक का अंतर है और इधर भी कितने का अंतर है एक का अंतर, तो एक बराबर आपके पास कितना दे रखा है बारह, एक बराबर कितना दे रखा है बारह वर्ष दे रखा है। तो आपसे देखो पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है तो लड़के की वर्तमान आय कितनी होगी, देखो लड़के की वर्तमान है लड़के की आय देखो आपको मैंने बता रखा है अगर जो दूसरा रेशियो बनाते तो इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है, और सेकंड वाले से मतलब होता है, सेकंड में कितना दे रखा है तीन अनुपात एक, तो वह इसका कितना दे रखा है एक, बारह का मल्टीप्लाई एक में करोगे तो बारह एकन बारह, आपका जो फाइनली आंसर आ जाएगा बारह वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, शायद समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट, अंजू लली पढ़ लो सही से, सर पढ़ तो रहे हाँ सर तो पढ़ रहे सर तो पढ़ेंगे ही, तुम ना पढ़ो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है मेरी वर्तमान आय मेरे पुत्र की आय से तीन गुनी है, मतलब मेरी और पुत्र दो लोग दे रखे हैं, कितनी दे रखी है तीन गुनी, तो अगर जो मेरी आय अगर जो तीन होगी तो पुत्र की आय कितनी होगी एक साल होगी। आगे देखो कहा गया है पांच वर्ष बाद मेरी आय पुत्र की आय की दो सही, पांच वर्ष बाद यानी यहां पे लिखेंगे पांच वर्ष बाद, पांच वर्ष बाद मेरी आय पुत्र की आय की कितनी रखी है एक सही एक बटे पांच, मतलब चार एकन चार और यानी पांच बटे कितनी है चार है, तो सॉरी दो दूनी चार और एक पांच, क्वेश्चन नंबर 25 वाला था, दो दूनी चार और एक कितने हैं पांच, मतलब अगर जो मेरी आय जो पांच साल होगी तो पुत्र की आय कितनी होगी दो साल ही होगी। तो अब देखो यहां से डिफरेंस ले लेंगे,
देखो इधर डिफरेंस लेंगे तो भी अलग आएगा, यहाँ से डिफरेंस कितने का है एक का, और इधर से डिफरेंस कितने का आ रहा है दो का डिफरेंस आ रहा है। तो ऊपर वाले में क्या करेंगे, कितने का मल्टीप्लाई कर दें तीन का, इसमें मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा दो का मल्टीप्लाई कर दो, करो तीन तक का कितने हो जाएंगे नौ, और तीन एक तीन, पाँच दूनी दस, दो दूनी चार, अंतर कितने का आ गया यहाँ पे एक का, एक बराबर कितना दे रखा है पाँच, एक बराबर जब पाँच दे रखा है आपसे, देखो हमने आपसे बोला कि इस वाले से आपको वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, अब आपको करना किससे, सेकंड वाले रेशियो से करना है, क्योंकि आपका ये तो रेशियो है नहीं, अब रेशियो बचा आपके पास ये बचा है। तो आपको देखो क्या पूछा गया, इसमें आपसे पूछा है मेरी वर्तमान आय कितनी है। देखो मेरी वर्तमान आय नौ पना पैंतालीस, तो कितनी आ जाएगा पैंतालीस, बस तो कितना आ जाएगा पैंतालीस वर्ष, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर करना है आपको 26, 26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अच्छा दे रखा है 26 वाले। देखो 26 में कहा गया ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है, मतलब कितनी देर, 1/4 गुना है। आगे कहा गया है उसके पुत्र की आयु उसकी आय से 1/10 गुना है, मतलब उसकी आय से कितनी है 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आय कितनी है। देखो इसे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन से करते हैं, इसे देखो जैसे ऑप्शन ए में दे रखा है तुम्हारे पास दो बस, बी में दे रखा है तीन वर्ष, सी में दे रखा है आपके पास चार, और डी में दे रखा है पांच वर्ष। तो देखते हैं, देखो ये आपसे सवाल में कहा गया दस गुना की बात करेंगे, तो अगर जो मैं दस गुना अगर जो इसका करें दो का दस गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बीस आ गया, इसका दस गुना किया तो कितना आ गया तीस, और ये चालीस, और ये कितना हो गया पचास, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है तुम लोगों को, अब यहाँ पे देखो पहली बात मैं दो चीज़ें बता दे रही तुम्हारे पास, और जो शादी की बात हो रही पहले तो दो चीज़ें यहाँ पे समझ लो। पहली बात अगर जो शादी की अगर जो वर्षों की बात करेंगी, पहले शादी तुम्हारे पास अगर जो देखी जाए तो 18 से ज़्यादा में होती है, और उधर 30 से क्या होती है शादी कम होती है। तो देखो आगे आपसे क्या बोला गया, यानी 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व में क्या कर रही है इसमें से माइनस कर देंगे, जब 6 वर्ष यहाँ से माइनस करेंगे तो समय से 6 घटा दो, तो यहाँ पे कितने बचेंगे तुम्हारे पास 20 में से 6 गए तो कितने बचे आपके पास, यानी 12 वर्ष। अगर यहाँ से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4, यानी 24 वर्ष। अगर 40 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 4, 34 वर्ष, और यहाँ पे 50 में से 6 गए तो कितने बचे आपके पास 44, ये रखा है तुम्हारे पास। ठीक है, अगर मैं दो तरीके से भी क्वेश्चन बता दे, वो याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, अगर जो शादी के अगर जो तुम्हारे पास अगर जो शादी किसी की 12 साल में तो होती नहीं है, सबको पता है 12 साल में शादी नहीं होती, ना आपकी 34 साल में भी शादी नहीं होती, आपके पास 44 साल में भी शादी नहीं होती देखा जाए, क्योंकि इधर तो बढ़ापा आ जाता है उधर तो ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको अगर जो ऑप्शन से जो टिक कर सकते हो तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा, रेयर केस में ही ऐसा होता है ज़्यादा कभी 34 या 35 साल में शादी हो, तो यहाँ पे अगर 24 शादी का लगभग एज होगी 24 साल के आसपास, 23, 24, 25 के आसपास ही शादी होती है। तो यहाँ से क्या करें, अगर जो देखते हैं इसका दे रखा है 5/2 सही दे रखा है तुम्हारे पास, 1/4 गुना दे रखा है। देखो इसका अगर जो मैं करते हैं तो 5/2 कितना हो जाएगा 4, 4×6 कितने हो गए 24, 6×5 कितना हो गया 30, तो 30 देखो पहले वाली उतनी गुना तो निकल आई तुम्हारे पास शायद देखा जाए, तो पहले कितनी थी 30 वर्ष, और ये भी 30 वर्ष आ गई, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला बी वाला, इसका आंसर करेक्ट सही हो जाएगा आपका। तो इसे कर सकते हो, मैं दोबारा समझा रहे इस क्वेश्चन को, देखो ऑप्शन दे रखे इधर दे रखी, इसके 10 गुना बोला गया तो 2 का कितना हो गया 20, 30 का 3 का कितना हो जाएगा 30, 4 का कितना हो गया 40, और 5 का कितना आ गया 50, और 6 वर्ष क्या बोला गया था इसमें पूर्व,
तो मैंने छः बस यहाँ से भी घटा दिया, देखो सबसे क्या घटा दिया, छः बस घटा दिया, तो ये बारह बस आ गया। यहाँ पे चौबीस और चालीस में से छः गए तो कितने बचे, चौंतीस बस, और पचास में से छः गए तो बचेंगे आपके पास चवालीस बस बचे। तो देखो आप ये सवाल में कहा गया था उसका पाँच एक सही एक बटे चार गुना बोला गया था, तो मैंने क्या किया इसका तो हुआ नहीं, हमने आपसे बता रखा क्योंकि शादी अगर जो ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज होती है वो अठारह से बाद में ही शादी होती है, उधर उधर पच्चीस से पहले तो इस वाले से कैंसिल हो जाएंगे छः बार, छः पंचे कितने हुए तीस, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 में क्या कहा गया है, राजू की आय उसके पिता की आय से आधी है। देखो पिताजी हैं और राजू कितनी दे रखी, आधी दे रखी। अगर पिताजी दो साल के होंगे तो पुत्र राजू कितने साल के होंगे, एक साल के। देखो सवाल आगे कहा गया, दस वर्ष पहले उनकी आय उसके पिता की आय की एक तिहाई है, दस वर्ष पहले, यहाँ पर लिखेंगे दस वर्ष पहले, दस वर्ष पहले कितने दे रखी है, एक तिहाई, मतलब अगर जो राजू एक साल का हुआ तो पिताजी कितने साल के होंगे, तीन साल के होंगे, तो ये वाले आ गए एक साल के और ये पिताजी कितने आ गए, तीन साल के आ गए। तो देखो आपसे सवाल में आगे कहा गया है कि पाँच वर्ष बाद पिताजी की आय कितनी होगी, देखो अब मैंने बताया, देखो इसका डिफरेंस लिया तो जीरो हो गया, इसका डिफरेंस लेंगे तो एक आ जाएगा आपका फाइनली, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी इसमें ऊपर वाले में कितने का मल्टीप्लाई, दो का, नीचे एक का मल्टीप्लाई, दो दो नहीं कितने हो गए चार, दो एकन दो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तीन और एक, इनका अंतर ले लेंगे, देखो इधर कितना अंतर है एक, एक बराबर आपके पास कितना दे रखा है दस वर्ष पहले, दस वर्ष पहले तो एक बराबर आ गया दस आ गया, तो आपसे फाइनली क्या पूछा गया, देखो सवाल में ये पूछा गया, अरे पाँच पाँच वर्ष बाद उसके पिता की आय कितनी हो, देखो पाँच वर्ष बाद पिता की आय, पाँच चौक कितने हो जाए, अरे दस चौक कितने हुए चालीस, और पाँच वर्ष बाद की बात हुई तो पाँच क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो फाइनली जो एज आ जाएगी कितनी आ जाएगी, पैंतालीस वर्ष आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, यही आपको निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। ना ले वाला लिया, अब ले आओ कौन था, तुम कहे तुम पता ही ले आओ बाद में, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखो 28 में दे रखा है, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है पांच अनुपात चार है, देखो दो लोग दे रखे 28 वाले में, लड़की और लड़के यानी गर्ल्स और बॉयज, इनका रेशियो दे रखा है पांच अनुपात कितना है चार है, ये दे रखा है। आगे कहा गया चार वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, देखते हैं देखो आगे आगे एक आ गया, चार वर्ष पूर्व लड़के की आयु कितनी दे रखी है 24 वर्ष है, और चार वर्ष पूर्व लड़के की आयु दे रखी, देखो ऐसे मान ला गया एक्स मान लिया इसमें भी, इधर भी मैंने क्या मान लिया एक्स मान लिया, यानी फोर एक्स, पूर्व की बात करेंगे तो क्या करेंगे मैं उसमें चार माइनस कर देंगे, और टोटल आयु कितनी रखी है 24 वर्ष है, तो देखो यानी फोर एक्स बराबर, देखो चार बात रख जाएंगे तो कितने हो जाएंगे चार, यानी 24 और चार कितने हो गए 28, तो यहाँ पर कितने आ गई 28 आ गई, चार सत्ते 28, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगी सात आ गई, एक्स बराबर जब सात आ गई, देखो सात का मल्टीप्लाई आपसे पूछा कि गर्ल्स की आय कितनी होगी वर्तमान, मतलब छः पाँच वर्ष बाद, तो पाँच सत्ते कितने हो गई 35, इधर 35 और 35 में कितने पाँच वर्ष बाद की बात हुई, तो पाँच क्या कर देंगे इसमें जोड़ देंगे, पाँच इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली 40 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। देखो मैं दोबारा समझा रही, देखो गर्ल्स की आय दे रखी थी पाँच वर्ष और इधर कितना दे रखा था नहीं फोर एक्स दे रखा था, तो हमने क्या किया बॉयज की आय कितनी दे रखी टोटल 24 वर्ष, मतलब चार वर्ष पहले की बात की, देखो फोर एक्स माइनस के कितने कर दिए फोर बराबर कितने आ गई 24 आ गई, अगर देखो फोर एक्स
ये देखो चार बाहर तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, यानी 24 और चार कितने हुए 28, चार सत्ते कितने हुए 28, तो एक्स बराबर कितना आ गया 7 आ गया। आपसे पूछा गया गर्ल्स की मतलब 7 पना कितने हुए 35, और 5 वर्ष बाद की बात हुई तो 5 उसमें ऐड कर दिए, तो फाइनली आंसर आ गया आपका 40 वर्ष। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है 29। नहीं लली लली प्यास यास कुछ देख लो कितनी मेहनत करनी पड़ती है फिर भी, तो तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते देखते तो क्वेश्चन देखते हैं आगे। अरे सीमा तथा रीमा की आय कितनी दे रखी है, देखो सीमा और रीमा, सीमा और रीमा ये दे रखा है, सीमा और रीमा की आय दे रखा है, दे रखी है 9:16 16 दे रखी है। आगे कहा गया 10 वर्ष बाद इनकी आयों का अनुपात, यानी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी जो आयों का अनुपात कितना हो जाता है, 10 वर्ष की बाद की बात करेंगे तो अनुपात हो जाता 2:3 होगा, 2:3 हो गया। तो पूछा गया आपसे इन दोनों की आयों के बीच में अंतर कितने वर्ष का है, देखो अंतर आपको बताना है। देखो क्या करेंगे, मैंने आपसे एक तरीका बता रखा है, इनमें पहले तो क्या ले लेते हैं अंतर ले लेते, अगर आपका अंतर फाइनली नहीं आता है तो क्या करते हैं जिनका डिफरेंस होता है उतने का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखते हैं अंतर तो आपको पता है कि सेम नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, तो इस ऊपर वाले में देखो कितने का मल्टीप्लाई कर दें 1 का, और नीचे वाले में कितने का मल्टीप्लाई 16 में से 9 गई तो कितने बचे 7, तो नीचे वाले में 7 का मल्टीप्लाई कर दूं। करते हैं देखो 9 और 16 और इधर कितना आ जाएगा 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 हो गई। अगर इनके बीच में देखो अब अंतर लेते हैं, इधर अंतर कितने का है 5 का, और इधर भी कितने का है 5 का, यानी 5 बराबर कितना दे रखा है आपके पास 10 वर्ष दे रखा है, तो 1 बराबर कितना आ गया 5 × 2 = 2 वर्ष आ गया, 1 बराबर कितना आ गया 2 वर्ष। देखो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया इन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा, देखो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो आपका देखो करंट का रेशियो आप कितना है आपको मैंने बता रखा, अगर जो दोबारा मल्टीप्लाई करते तो आपको इससे रेशियो से कोई मतलब नहीं है तुम्हारे पास, अब आपको मतलब है दूसरे वाले रेशियो से करंट का रेशियो, और यदि 16 में से 9 गई तो कितने बचेंगे आपके पास 7 बचे, और 7 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे 7 × 2 कितना आ जाएगा 14, 7 × 2 बराबर है 14 वर्ष, जो अंतर होगा कितने वर्ष का होगा 14 वर्ष का, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर करना है 30 वाला, देखो 30 में देखते हैं क्या कहा गया, 30 में ये कहा गया 6 वर्ष पूर्व सुशील की आय स्नेल की आय से 3 गुनी थी, देखो 6 वर्ष पूर्व यहाँ पर लिखेंगे 6 वर्ष पूर्व, कौन कौन दे रखा है देखो आपके पास दे रखा है सुशील और स्नेल, यहाँ पर लिखेंगे सुशील और स्नेल, आय दे रखी आपके पास कितनी रखी 3 गुनी, अगर जो सुशील की आय 3 होगी तो स्नेल की आय कितनी होगी 1 वर्ष दे रखी है तुम्हारे पास। ठीक है तो अब देखो आगे बोला गया, यानी 6 वर्ष बाद सुशील की आय स्नेल की आय से 5/3 गुना हो जाती है, देखो जब 5/3 गुना हो जाती है यानी सुशील बड़े हैं तो सुशील की कितनी हो जाएगी 5 और इसकी कितनी हो जाएगी 3, तो फाइनली करते हैं देखो कितने वर्ष बाद बोला गया आपसे, अरे 6 वर्ष बाद तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पहले तुम लोग लेट तो नहीं हो रहे, तो इधर अंतर कितना देखो इसमें भी डिफरेंस कितने का 2 का, और इधर भी डिफरेंस कितने का है 2 का, नहीं 2 बराबर कितना दे रखा है
टोटल देखो, मैंने पहले और बाद की बात करते तो मैं दोनों को क्या करते हैं उसमें ऐड कर लेते हैं। छः और छः कितने हो गई 12, तो दो का डिवाइड दो छः कितने हो गई 12, तो एक बराबर कितना आ गया 6 आ गया। एक बराबर जब आपको पता चल गया 6 आ गया तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है स्नेल की वर्तमान आय कितनी होगी। देखो स्नेल की आय कितनी रखी है 1, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 एकन 6। लेकिन ये किसकी की दे रखी है, पूर्व यानी पहले की बात की गई है तुम्हारे पास। अब आपको कौन सी चाहिए, वर्तमान आय चाहिए। वर्तमान में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे और फाइनली आपका आंसर कहाँ आ जाएगा वर्तमान में। देखो मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, यहाँ पे वर्तमान में लाने के लिए क्या करते हैं, जैसे आप मान लो यहाँ पे हो, ये वर्तमान में हो और ये 5-6 साल बाद हो और ये क्या है 6 साल पहले हो, पहले और बाद। और जो देखो पहले में अगर जो तुम्हारे पास अगर जिसमें 6 जोड़ दो तो आप कहाँ पे आ जाओ, वर्तमान में आ जाओ जहाँ जस्ट अभी हो। तो इसमें क्या करेंगे हम 6 को ऐड कर देंगे, 6-6 कितने हो गए 12, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 का ए। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है 31, इजी है, तुम लोग कर सकते हो आराम से इसे। चलो खुशी तुम करो, सवाल करो ये 31 वाला, अब तो मैं दिखाऊं और तो लोग टाइम हो जाए। क्वेश्चन नंबर करो 31। देखो छाप दो आगे आ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर। देखो 31 में कहा गया है एक वर्ष पूर्व सोनिया तथा गौरी की आयु का अनुपात दे रखा है। देखो एक वर्ष पूर्व, एक वर्ष पूर्व सोनिया एस और गौरी तो जी बना दे रहे हैं, ये दे रखा है। तो इनका अनुपात जो दे रखा है कितना दे रखा है, 3:4 कितना है 4 है, 3:4 दे रखा है, ठीक है। आई कहा गया एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से, एक वर्ष बाद देखो यहाँ पे लिखेंगे एक वर्ष बाद, एक वर्ष हाँ बताओ तुम लोग आंसर बताओ। चलो एक वर्ष बाद अनुपात कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है 10:13 है, 10:13 कितना दे रखा है 13 है। तो देखो आपसे फाइनली क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है सोनिया की वर्तमान आय कितनी होगी। चलो बताओ तुम लोग कितना होगा आंसर करो। देखो इधर डिफरेंस से देखा जाए तो कितने का है 9 का, और इधर डिफरेंस देखा जाए तो कितने का है 7 का डिफरेंस। जब आपका डिफरेंस बराबर नहीं तो मैं क्या करेंगे, जब डिफरेंस बराबर नहीं होता जिसमें जितने का डिफरेंस होता है कितने का है 10-13 में से 10 गए तो कितने बचे 3, तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग 3 का और नीचे कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे फाइनली 1 का, क्योंकि 4 में से 3 गए तो कितना बचा 1 का डिफरेंस आ गया। तो 1 और 1 कितने हो गए 2 वर्ष हो गए तुम्हारे पास, ठीक है, यानी 2 वर्ष लो लाली नहीं ये नहीं डालना ऐसे, मैं झूठ बोल रही तुम कराओ। देखो 3 तरक का कितने हुए 9, 4 तीन कितने हुए 12, और इधर कितने आ जाएंगे 10, और इधर कितने हुए 13। तो एक बराबर कितना दे रखा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 1 का, यानी एक बराबर आपके पास कितना दे रखा है 1 और 1 कितने हो गए 2। हाँ तो बस एक सवाल कराते हैं तुम लोग जा सकते हो। एक बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो आपसे देखो क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया सोनिया की वर्तमान आय कितनी होगी। देखो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी होगी 18, 9 दूनी 18। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, वर्तमान आय ज्ञात करना है। जब वर्तमान आय ज्ञात करेंगे तो देखो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक फाइनली उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। देखो क्यों ऐड करना पड़ेगा, ये तो आपकी पूर्व की आय आ गई, ठीक है तुम्हारे पास, और जो वर्तमान में लाने के लिए मैं उसमें 1 ऐड कर देंगे तो फाइनली आंसर कहाँ आ जाएगा वर्तमान, मतलब 1 साल मैंने ऐड कर दिया तो कितने आ गए 19 वर्ष आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। सोनिया की आय कितनी आ जाएगी 19 वर्ष। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दे रखा है, सिर्फ कर दे से।
देखो नेक्स्ट में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 32 32 देखो 32 में कहा गया है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है, मतलब पिता है पुत्र है और सन कितना दे रखा है 17:7 कितना रखा है 7 है। आगे कहा गया है 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 हो जाता है। 6 वर्ष पूर्व यानी 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना बोला गया 6 वर्ष पूर्व बोला गया 3:1 यानी 3:1 हो जाता है। तो आगे कहा गया है पिता की वर्तमान आय कितनी होगी, यानी पिता की वर्तमान आय को बतानी है। देखो यहाँ से निकालेंगे वर्तमान आय, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 6 का, इसमें डिफरेंस ज़्यादा है तो क्या करेंगे भाई आपके पास तरीका, इनके डिफरेंस कितने का है 2 का, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर और इसमें कितने का डिफरेंस आ जाएगा 10 का, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो 17 दूनी कितने हो गए 34 वर्ष और 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ गए 30 और इधर कितने हो गए 10 यानी कितना आ गया, यहाँ से अंतर लेंगे तो कितना आ गया 4 बराबर 4। और देखते एक सेकंड क्वेश्चन नंबर दे रखा था नहीं 4 बराबर दे रखा है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु दे रखी 6 वर्ष पूर्व देखो यानी 4 बराबर कितना दे रखा है 6 दे रखा है तो इसे काटेंगे जो फाइनली तो 1 बराबर आ जाएगा 6/4 2 3 6 और 2 2 4 तो कितना आ गया 3/2 जब 3/2 आ गया तो देखो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है इसमें आपसे कहा गया है कि पिता की वर्तमान है, देखो पिता की वर्तमान है आपसे इससे तो कोई मतलब नहीं है, आप पिता की आयु इतनी रखी कितनी है 34 वर्ष तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 34 का और 2 का डिवाइड देंगे कितने बचे 17 कितने हो गए 51 वर्ष तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 51 वर्ष ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर करना है 33 वाला। अब देखते 33 में क्या दे रखा है, तैंतीस में कहा गया ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा नहीं 5:6 ए तथा बी, ए और बी 5:5 कितना बोला गया 5:6 तो आगे कहा गया है 6 वर्ष बाद ए अनुपात 6:7 होगा 6 वर्ष बाद यहाँ पर लिखेंगे 6 वर्ष बाद ए अनुपात कितना हो रहा है 6 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 6:7 हो जाता है 6:7 कितना हो रहा है 7 होगा हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व ए की आय याद करनी, यानी 5 वर्ष पूर्व ए की आय बतानी तुम्हें, तो यहाँ से देखो कर दें इनके बीच में अंतर कितने का 1 का, इसके बीच में अभी अंतर कितने 1 बराबर कितना दे रखा 6 दे रखा है तो 5 वर्ष पूर्व ए की आय देखो 6×5 कितने हो गए 30 कितने हो जाएंगे 30 ये 30 हो गए और ये कितने हो जाएंगे 36 36 आपसे पूछेगी 5 वर्ष पूर्व ए की आय बतानी, ए की वर्तमान आय भी कितनी है 30 है और 30 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके फाइनली 30 में से 5 गए तो कितने बचे 25 वर्ष आंसर कितना आ जाएगा 25 वर्ष और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 33 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉरी 33 का ऑप्शन नंबर डी 31 वर्ष अरे सॉरी भाई यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई क्योंकि आपके पास मतलब ए की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और आपसे क्या पूछा गया बी की आय पूछी गई तो बी की आय के लिए हमें क्या करेंगे यहाँ से 36 में से 5 गए तो कितने बचेंगे तुम्हारे पास 36 में से क्या करेंगे 5 को भी माइनस कर देंगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा
31 वर्ष हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर करना है 34, तो 34 में क्या कहा गया है, तिरसा तथा सालिनी की आयु का अनुपात क्रम से 7:6, तरसला और सालिनी, तरसला और सालिनी एस, तो इनका जो अनुपात दे रखा है कितना है 7:6 दे रखा है। आगे देखो कहा गया है आपसे 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है, 8 वर्ष बाद वो 8 वर्ष बाद, आठ वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो रहा है, 8 वर्ष बाद 9:8 होता है, 9:8। तो आपसे पूछा गया है 5 वर्ष पूर्व सॉरी हो जाएगा, तो इनकी आयु का अंतर बताना, तो यानी डिफरेंस ये बताना है। देखते हैं इनमें अंतर कितने का है, 2 का, इधर भी अंतर कितने का है, 2, 2 बराबर कितना रखा है 8, तो 1 बराबर 4 दूनी कितने हुए 8, तो 1 बराबर कितना आ गया 4 वर्ष आ गया आपके पास, फाइनली कितना आ गया 1 बराबर 4 वर्ष आ गया। तो देखो आपसे क्या पूछा गया, इनके बीच में अंतर बताना, देखो आयु का अंतर 7 में से 11 कितना 6 सॉरी 7 में से 6 गए तो कितने बचे 1, और 1 बराबर 4 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे 4 × 1, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 35, अरे 35 में दे रखा है, देखो 35 में कहा गया है अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, मतलब कितने वर्ष का अंतर दे रखा है, नहीं 14 वर्ष का अंतर है। आगे कहा गया है 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है 7:5, अरे 5:7 है, देखते हैं यहाँ से, यानी 7 वर्ष पहले, देखो ये कहा गया आपसे सवाल में कहा गया है, यानी 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना रखा है 5:7, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले क्या कहा गया है, यानी 5:7 कितना दे रखा है, 5:5 कितना दे रखा है 7 दे रखा है, 5:7 दे रखा है। तो देखो आगे कहा गया 5:7 दे रखा है, फिर कहा गया आपसे आपसे कहा गया है अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु का अंतर कितना है 14 वर्ष, अरुण तथा दीपक की आयु का अंतर कितना है 14 वर्ष है, देखा जाए। देखो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो वर्तमान आयु आपको निकालनी है, वर्तमान आयु के लिए मैंने मान लिया यहाँ पे कितना है आपके पास 7x, मैं कितना वर्तमान में निकाल, देखो पहले की बात दे रखी है, वह जो वर्तमान में लाने के लिए 7 को क्या करना पड़ेगा, अब ऐड करना पड़ेगा, मैंने 7 जोड़ दिया, और अंतर पूछा गया तो माइनस का 5x और इधर कितना हो गया प्लस का 7, बराबर कितना दे रखा है अंतर 14 दे रखा है आपके पास। तो देखो इसमें से गए तो कितने बचे तुम्हारे पास 2 बचे, 2x बराबर कितने रखे 14, क्योंकि 7 ये प्लस के दे रखे ये माइनस के दे रखे कैंसिल हो जाएगी, 2 × 7 = 14, तो x बराबर कितना आ गया 7 वर्ष। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है सवाल में तो दीपक की वर्तमान आय कौन सी होगी, दीपक की कौन सी दे रखी है 7, 7 × 7 कितने होगी 49, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49 वर्ष, और वर्तमान निकालनी है, ये पहले की आयु आ गई तुम्हारे पास, पहले की आयु आई तो इसमें क्या करेंगे 7 को ऐड कर देंगे, 7 × 9 = 16, 6 आंसर लगी 4 और 1 कितने हो गए 5, नहीं फाइनली आंसर आ जाएगा 56 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। तो शायद समझ में आ गया होगा आपको, देखो मैं दोबारा समझा रही, देखो 7 वर्ष पहले 5:7 है,
तो मैंने क्या किया, अंतर पूछा गया था आपसे, मैंने क्या किया बड़े वाले में से छोटे को मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया, घटा लिया, और बराबर में कितना लिख दिया 14 लिख दिया। तो इसमें देखो मैंने 7 जोड़ दिया इसमें भी, और यहाँ पे भी 7 जोड़ दिए, क्योंकि ये कहाँ आ गई, यानी वर्तमान में आ गई। अब जब वर्तमान में आ गई, 7 में से 5 के कितने 2 बचे, 7 से 7 कैंसिल हो गए तो कितने आ गए टोटल, इधर 14 बचे, x बराबर आ गया 7, तो वहाँ से आपकी वैल्यू निकाली फाइनली। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तुम्हें 35 इसमें करा दिए, तो आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आ सके। और दोस्तों अगर जो आप लोगों का सपोर्ट यानी सहयोग रहेगा तो मैं लगातार कंटेंट आपके बीच लेके आते रहेंगे। आपका ही सपोर्ट नहीं रहा तो फिर आप ही जानते हो कि आप, हम मेहनत करेंगे तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू। हेलो दोस्तों नमस्कार, आपके YouTube चैनल स्टडी 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं आयु संबंधी आपको क्वेश्चन करा रहे थे, 1 से लेकर के 35 में वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, तो 36 से आप क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं 36 में क्या कहा गया है, देखते देखो 36 में दे रखा है आपके पास, ये कहा गया है कि फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, मतलब कितने वर्ष पूर्व हुआ था, 8 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आगे कहा गया, आज उसकी आय उसके विवाह के समय की आय की 1/2/7 है, मतलब 7 × 7 = 9 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 9/9 = 7 होगी। अगर उसकी अगर जो आय अगर जो देखी जाए 9 होगी, आज होगी मतलब वर्तमान में 9 होगी, तो 7 विवाह का हुआ हुआ उसका 7 साल का हुआ हुआ, तो इन दोनों के बीच में देखा जाए तो डिफरेंस कितने का आया 2 साल का, 2 साल बराबर कितना दे रखा था 8 आपके पास दे रखा 8 वर्ष पूर्व, तो देखो 1 = कितना आ जाएगा 2 × 8, तो 1 = कितना आ गया 4। अगर जो मैं यहाँ पे देखें 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 × 36 वर्ष, और 4 का मल्टीप्लाई कर दे 7 × कितने हुए 28 वर्ष। देखो आगे देखते हैं क्या कहा गया सवाल में, आगे सवाल में ये कहा गया है इस समय उसकी पुत्री की आय उसके आय को छठवांश है, मतलब इस समय की बात हुई, मतलब उसकी पुत्री की आय मतलब जो आज है मतलब वर्तमान आय है उसकी कितनी दर की छठवांश, मतलब छठा हिस्सा दे रखा है देखा जाए तो। आज कितनी आय है उसकी वर्तमान आय है 36 वर्ष है, बस 36 वर्ष का अगर जो 1/6 निकालेंगे तो वो पुत्री की निकल आएगी, तो 6 का अगर जो डिवाइड करेंगे तो कितने आ गए 6, तो इस समय आय कितनी आ गई 6 वर्ष आ गई। और जो 6 वर्ष की बात करेंगे तो अब ये पूछा गया 3 वर्ष पहले की आय याद करनी है पुत्री की, तो 3 वर्ष पहले की निकालने के लिए क्या करेंगे 3 का माइनस कर देंगे, तो फाइनली कितना आ जाएगा 3 वर्ष, आंसर कितना आ जाएगा 3 वर्ष आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर करना है आपको 37 में कहा गया है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग दे रखा है 99 वर्ष, मतलब पिता और पुत्र दो लोग हैं, पिताजी हैं फादर और हैं पुत्र सन, तो इनकी आयु का योग कितना दे रखा है 99 वर्ष दे रखा है। तो देखो इसे में ऑप्शन से करते हैं, देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 3/7 है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 3/8, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 4/9, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 4/7, तो ये दे रखा है। देखो मैं निकालेंगे कैसे इसे और आपको बताना है, तब देखो पहले तो मैं ऑप्शन से चेक करते हैं, मतलब दोनों की अगर जो देखा जाए अगर जो योग हुआ तो उससे डिविजिबल होगा, 11 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए। देखो 7 × 3 कितने हुए 10 हुए, ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं है क्योंकि आपका 11 मतलब डिविजिबल है नहीं नंबर। 8 × 3 कितने हैं 11, तो ये तो आपका डिविजिबल हो सकता है ये ऑप्शन। 9/4 कितने हुए 13, ये तो होगा नहीं। 7/4 कितने हुए 11, ये भी हो सकता है, मतलब इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अगर जो ऑप्शन से करना है तो आप अगर जो तुक्का भी मारना चाह रहे हो तो इसमें से 2 में से मार सकते हैं अगर जो टाइम कम है तुम्हारे पास। तो क्या करते हैं देखो यहाँ पे चेक करते हैं इस 90 को, देखो 99 कैसे लिख सकते हैं, देखो 8 × 3 = 11, 11 × 99 कितने हुए 9, तो देखो 9 × 3 = 27 और 9/8 कितने हुए 72,
देखो अंतर पूछा गया तुम्हारे पास, अब मुझे ये बताना आपसे सवाल में ये कहा उसका तब आय पुत्र की आय उस समय के चार गुनी थी, मतलब चार गुनी की बात बोली गई है। देखो यहां से क्या करेगी, इसमें से अगर जो मैं 27 का जो माइनस कर दें और 27 27 घटाएंगे तो कितने बचे, 12 में 7 गए तो 5, और 6 में से 2 गए तो कितने बचे 3, तो 35। देखो अगर जो देखा जाए तो अगर जो इसमें से घटाएंगे 27 तो कुछ नहीं बचेगा, तो ये तो ऑप्शन रहेगा ही नहीं। मतलब आपको ये कंफर्म पता है कि अगर मैं इसे अगर जो देखा जाए तो ये तो ऑप्शन आपका है ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सके बेटा हो ना, तो इस ऑप्शन को तो नहीं लगे, ये ऑप्शन तो आपका गलत है। और ऑप्शन नंबर देखते हैं, देखो उसमें भी 7 4 कितने हो गए 11, देखो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौ कुछ 36 और 9 सत्ती 63 इतने हो गए। अब देखते हैं इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, देखो अगर इसमें से का जो डिफरेंस लें तो कितने का आ जाएगा यहाँ पे 27 का, 27 का डिफरेंस आ जाएगा, और 27 अगर जो इसमें से माइनस करेंगे 13 में 7 गए तो कितने बचे 6 बचे, यहाँ पे 6 में से 3 गए तो 2 गए तो कितने बचे 3 बचे, और जैसे 27 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे तो 4 बचे, देखो 4 बचे। अब देखो ये गुना है आपसे सवाल में ये पूछा गया था, जो इस समय की जो आयु है उसके 4 गुना थी, देखो 4 निम्न कितने हो गए 9 चौक कितने हो जाएंगे 36, तो देखा जाए तो 4 गुना है कि नहीं है, आप बता सकते हो कि ये 4 गुना है, सॉरी देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, 16 में 7 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 9 बचेंगे, देखो 9 चौक कितने होते 36, मतलब ये देखा जाए तो 9 कितने गुना है, और जो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, तो आपको कंफर्म पता हो गया तुम्हारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, तो ये वाला बच्चों आपका आंसर सही हो जाएगा करेक्ट। देखो मैं दोबारा समझा रही, देखो फादर और सन यानी बेटे की जो देखा जाए पुत्र की देखा के दोनों की योग कितना दे रखा था 99 वर्ष दे रखा था, तो हमने क्या किया दोनों के मतलब ऑप्शन उठा लिए सभी चार ऑप्शन, तो 7 3 कितने होते 10 होते हैं, आपको मैंने 1 99 को क्या करना था डिवाइड, मतलब मैंने दिया डिवाइड तो 10 का तो देखो भाग बच जाएगा नहीं 99, तो ऑप्शन ये तो गलत है, 8 3 11 11 का डिवाइड इसमें चला जाएगा तो ये ऑप्शन हो सकता है, 9 4 13 इसका डिवाइड इसमें जाएगा नहीं ये ऑप्शन गलत है, 7 4 11 इसका भी डिवाइड जा सकता है, तो मैंने इसका आपको बता रखा है तो डिफरेंस ही आ जाता, 7 4 11 देखो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 36 हो गई, 9 7 63 आ गया, तो देखो यहाँ से इनमें डिफरेंस देखा जाए तो कितने का 27 वर्ष का, 27 इसमें से माइनस कर दिया तो 36 वर्ष, और 36 में से 27 घटाएंगे तो कितने बचे 9 वर्ष, तो देखो आपसे पूछा गया 4 गुना है तो 4 का मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 4 निम्न कितने होते 9 चौक कितने हो जाएंगे 36 वर्ष, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर करना है 38। में दे रखा है समीर की आय अपने पिता की आय की 1/4, देखो समीर की आय अपने पिता की आय 1/4, समीर और पिता, और जो समीर 1 साल का होगा तो पिता कितने साल के होंगे 4 साल के, देखो आगे कहा गया है आगे सवाल में कहा गया है तथा अपनी बहन रीमा की आय की 2/3 है, मतलब रीमा की आय की कितनी दे रखी 2/3 दे रखी, देखो समीर यहाँ पे लिखे दे रहे समीर और रीमा, अगर समीर के 2/3 मतलब 2 अगर जो यहाँ पे होगी तो 3 कहाँ होगी रीमा की आय होगी, तो देखो करने का तरीका क्या होता है या तो कितने दे रखे हैं, या तो जो दो तरीके बता होंगे आपको, या तो इनको बी की मतलब कौन सी बराबर कर लो समीर वाली वैल्यू बराबर कर लो, इसमें देखो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो पूरे में 2 का इधर कर दो और 2 का इधर कर दो, तो ये कितने हुए 2 और 8 और ये कितने 2 3 हो गए तुम्हारे पास। अब देखो आपसे क्या क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है समीर
प्रेम, और उसके बाद पूछा गया आपसे पिताजी। देखो समीर की कितनी दे रखी है, दो, वो दो आ गए, दो अनुपात। रीमा की आय कितनी है, तीन, तो रीमा की तीन वर्ष। पिताजी कितने हो, देखो चार दूनी कितने हो जाएंगे, आठ, तो पिताजी कितने आ जाएगा, आठ, दो तीन आठ आपका आंसर आ जाएगा। देखो समीर और पिता की आय दे रखे, दो अनुपात कितना रखा था, सॉरी एक अनुपात चार, मतलब चार गुने थे पिताजी, तो मैंने मान लिया समीर का जो दो साल के, मतलब तो सॉरी एक और चार दे रखा था, और इधर दे रखा था समीर की जो आय थी रीमा की आय से दो त्याई थी। देखो अगर जो समीर की दो होगी तो रीमा की कितनी होगी, तीन होगी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे इनको बराबर वैल्यू करने के लिए, देखो मैंने समीर को बराबर कर लिया, तो बराबर करने के लिए मैंने दो का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया दोनों में। जब दो यहाँ पे हो गई, दो दो चार दोनों कितने हो गए, आठ हो गए, ये दो और तीन हो गए तुम्हारे पास, और वैल्यू आपको पता होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर करना है आपको 39। देखते 39 में क्या कहा गया है, 39 में कहा गया है एक दंपत का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, मतलब एक दंपत का एक पुत्र है और एक पुत्री है। देखो आगे कहा गया है पिता की आय पुत्र की आय की चार गुनी है, मतलब पिताजी की आय पुत्र की आय की कितनी रखी है, चार गुनी दे रखी है। देखो पिता की आय और पुत्र, पिता की आय चार गुनी दे रखी है पुत्र से। देखो एक दंपत का एक पुत्र तथा पुत्री है, मतलब पुत्र और पुत्री, तो यहाँ पे सॉरी पुत्र लिखते हैं पहले, पुत्र और पुत्री। पुत्र पुत्री है, देखो पुत्री की मान लिया मैंने एक्स वर्ष, अरे पुत्र की मान ली एक्स वर्ष और पुत्री की कितनी हो जाएगी, बाई वर्ष। बाई वर्ष होगी। आगे देखो सवाल में कहा गया, सवाल में ये कहा गया है पिता की आयु, पिता की आय पुत्र की आय की चार गुनी है, मतलब पिताजी की आय कितनी है, चार गुनी है। तो मैंने देखो यहाँ पे मान लिया पिताजी, पिताजी कितनी होगी, फोर एक्स वर्ष। आगे देखते सवाल में क्या गया है तथा पुत्री की आय माता की आय की एक तिहाई है, मतलब पुत्री की अगर जो बाई होगी तो माता जी की कितनी होगी, माता की होगी थ्री बाई। ये सवाल थोड़ा लेंथी है बच्चों, तो थोड़ा सा देख लेंगे सही से, तो देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आपसे कहा गया है एक तिहाई है, यह पत्नी की आय पति की आय से छह वर्ष कम है, मतलब पत्नी की आय पति की आय से कितनी कम है, छह वर्ष कम है। देखो तो हम करेंगे यानी फोर एक्स, यानी फोर एक्स माइनस के थ्री वाई बराबर कितनी कम है, छह वर्ष। देखते हैं आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया आपसे बहन अपने भाई से तीन वर्ष बड़ा है, बहन जो है अपने भाई से कितनी बड़ी है, तीन वर्ष। तो बहन की कितनी दे रखी है तुम्हारे पास, भाई दे रखा है, तो भाई तो ए, 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 भाई क्या होगा, छोटा, तो मैं इसका एक्स बराबर कितना है, तीन वर्ष, तीन वर्ष आ गया आपके पास, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही, बाई की वैल्यू उधर भेज रहे, एक्स बराबर और देखा थ्री प्लस के कितने हो जाएंगे एक्स, यहाँ कोई दिक्कत है। अब जहाँ बाई लिखा होगा वहाँ पे बाई की जगह पे कितना लिख देंगे, थ्री प्लस एक्स लिख देंगे हम। देखते हैं इधर, यहाँ पे जैसे बाई लिखा है तुम्हारे पास, तो मैं यहाँ पे बाई की जगह पे लिख देंगे थ्री प्लस एक्स, यानी फोर एक्स, फोर एक्स माइनस का थ्री प्लस एक्स बराबर कितने, सिक्स। देखो फोर एक्स कितने हुए, नौ, माइनस के कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास, थ्री एक्स बराबर हो गए छः। देखो देखो चार में से अगर तीन जाएंगे तो कितने बचेंगे, एक्स, और जो छः बाद नौ बात रह जाएंगे तो कितने हो जाएंगे,
पंद्रह, नौ छः कितने हो गई 15, तो x बराबर कितना पता चल गया 15 बस पता चल गया, x की वैल्यू 15 बस पता चल गई। तो देखो मैं क्या करेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है तो माता की आय कितने होगी, मतलब माता की आय आपसे पूछा गया है तो माता की आय कितनी दे रखी, 3 दे रखी, 15 देखो यहाँ पर रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तब y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो y बराबर 15 और 3 कितने हो जाएंगे, 15 3 18, तो y की वैल्यू आ गई 18, 18 थी देखो, फिर 18 की मतलब माता जी की आय पूछी तो 18 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, 18 थी कितना हो जाएगा 54 वर्ष, माता जी की आय कितनी हो जाएगी हाली 54 वर्ष, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं दोबारा बच्चों समझा रहे हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो पुत्र की आय एक्स वर्ष है तो पिताजी की आय कितनी है 4x वर्ष है, और यहीं पे पुत्री की आय दे रखी है 22 वर्ष है तो माता जी की आय कितनी है 3y वर्ष दे रखा है। तो ये कहा गया था पिताजी की आय पुत्र की आय से 6 वर्ष अधिक है। देखो पिताजी देखो बड़े हुए, देखो पिताजी की आय माता की आय से 6 वर्ष, देखो 4x मैं इसकी कितनी हो गई 3y बराबर में कितने दे रखी 6 दे रखी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, देखो y की जगह पे मैंने कितना लिख दिया 3+x लिख दिया, y की जगह पे मैंने लिख दिया 3+x आ गया, तो 4x तो वही है 3 का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 3 तक का ना, और माइनस के कितने प्लस माइनस के हो जाएंगे 3x बराबर में कितने हुए 6, 3 का मल्टीप्लाई किया 9 आ गया 3x। देखो 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे x बचेंगे, 9 बाहर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, 9 6 कितने हो गए 15 हो गए। तो 15 की देखो निकालने के बाद मैंने क्या कर दिया यहाँ पे x की जगह पे कितने रख दिए 15, 15 और 3 कितने हो गए 18 हो गए। तो y की वैल्यू पता चल गई फाइनली कितना है 18 वर्ष है, जब y की वैल्यू 18 आ गया तो 18 माता जी की आय पूछी गई 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली आंसर कितना आ गया 54 वर्ष आपका आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, ठीक है तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 40 वाला क्वेश्चन में करा भी चुके हैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 40 देखो 40 में क्या कहा गया, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आय की 3 गुनी है, मतलब राम की आय देखो राम सन राम की आय 3 गुनी दे रखी तो ये 3 होगी तो ये कितनी होगी 1 होगा। आगे कहा गया है उसके पिता की आयु का 2/5 है, मतलब उसके पिता की आयु का राम के पिता की आयु का 2/5 है, यानी पिताजी भी होंगे इसमें, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने फादर 2/5, अगर जो दो राम अगर जो 2 साल का होगा तो पिताजी कितने के होंगे 5 साल के होंगे। तो देखो यहाँ पे तरीका वही है आपके पास, यहाँ पे निकाल लेंगे तो यहाँ पे इसके पास में कितना नंबर आ जाएगा 2 आ गई, और यहाँ पे कितने आ गई 3, तो कर लेंगे इसे सॉल्व 2, 3, 2, 6, 5, 3, 15 अनुपात निकल के आ गया आपके पास। आप देखते हैं क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया इन सभी की औसत आयु दे रखी 40 वर्ष, इन सभी की औसत आयु कितनी दे रखी यानी 40 वर्ष यानी 46 दे रखी। देखो 15, 6, 21 और 2 कितने हो गए 23 हो गए, नहीं 23 बराबर कितना दे रखा है 40 वर्ष। तो देखो आपके पास 1, 2, 3 लोग औसत निकालने के लिए क्या करते हैं उसी से मल्टीप्लाई कर देते, 23 दूनी कितने हो गए 40 हो गई, तो 1 बराबर कितना पता चल गया 6 बस, 1 बराबर कितना पता चल गया 6 पता चल गया। जब 1 बराबर 6 पता चल गया आपको दोस्तों तो क्या पूछा गया आपसे, राम के पुत्र तथा राम के पिता की आय के बीच में अंतर बताना है। देखो तो देखते हैं कैसे, राम ये दे रखा है और राम के पिताजी कितने दे रखे हैं 15 में से 6 गए तो कितने बचे 9 बची, तो अंतर पूछा। देखो अंतर तो घटाने की बात आता है, अंतर 15 में से 6 गई तो आपके पास 9 बचा, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाता 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंतर आपका कितना आ जाएगा 54 वर्ष आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 54 वर्ष। तो फाइनली ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा शायद ई ऑप्शन नंबर, देखते हैं 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा है। एक सेकेंड दोस्तों, अरे
देखो दोस्तों, क्या नाम, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गई, तो हालांकि ये तो आंसर आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे ये पूछा गया था, पिताजी और बेटे के बीच में पूछा गया था रिलेशन। जो पिताजी की और बेटे के बीच में रिलेशन देखा जाए, 15 में से 3 गए तो कितने बचे? अरे 15 में से 2 गई तो कितने बची? 13। 13 * 2 कितने हो जाएंगे? कितने आए थे? 6। 13 * 6 कितने हो जाएंगे? 78। 78, तो 78 वर्ष आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, 78 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दे रखा है ई, तो आपका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 78 वर्ष। आपका आंसर ये भी सही सही था, लेकिन आपसे जो पूछा गया था, अगर जो फादर और राम के बीच में अगर जो रिलेशन पूछा जाता, अगर जो अंतर पूछा जाता, तो आपका 54 वर्ष आंसर सही है, लेकिन आपका अगर जो इसमें फादर और बेटे के अंदर में रिलेशन पूछा जाता तो आंसर कितना आ जाएगा? 78 वर्ष आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट में कहा गया है, करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले। देखो नेक्स्ट वाले अभी जो क्वेश्चन है, अब सिंपल क्वेश्चन आ गए आपके लिए, तो जो क्वेश्चन बड़े थे आपने कर लिए। क्वेश्चन नंबर करते हैं 41। 41 में देखो क्या कहा गया है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, मतलब ए जो है बी से कितना बड़ा है? 16 वर्ष बड़ा है। आगे कहा गया है बी की, परंतु बी की आय ए की आय की 1/3 के बराबर है, मतलब ए की आय की कितनी है? 1/3 के बराबर दे रखा है। देखो तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, ऑप्शन ए में दे रखा है 40 वर्ष और 20 वर्ष, ऑप्शन बी में दे रखा है आपके पास 48 वर्ष, इसे हटा दे रहे वर्ष को, 48 और 32, सी में दे रखा है आपके पास 46 और 30, आई का आ गया है डी में, ऑप्शन में दे रखा है 32 और 16। देखते हैं ये कहा गया दोनों के बीच में जो अंतर है कितने का है? 16 वर्ष का अंतर है, मतलब 16 वर्ष बड़ा है, तो 16 वर्ष का मतलब दोनों में डिफरेंस भी आना चाहिए। देखो इसमें से घटाएंगे तो भी 16 का अंतर है, कुल मिला के इन सब में कितने का अंतर है? 16 का अंतर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इनमें सब पहले वाले में 16 का डिफरेंस नहीं है, ऑप्शन ये तो होने वाला नहीं है। तो देखो आगे सवाल में क्या कहा गया है, परंतु बी की आधी आयु ए के 3 गुनी के बराबर है। देखो बी की आधी आयु, देखो बी की क्या कितनी कर दें? आधी कर दें, तो बी की आधी करेंगे तो कितनी रह जाएगी? 16। तो बी का 1/2 का जो कर दे तो कितने रह गए? 16। देखो 3 गुना बोला गया, 16 * 3 कितने हो गए? 48। तो आपको फाइनली आंसर होगा 3 गुने के बराबर है। देखो 16 * 3 कितने हो गए? 48। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 41 42 वाला भी देखते हैं। 42 में कहा गया है जयेश अनिल से उतना छोटा है कि जितना वह प्रशांत से बड़ा है। देखो उतना और जितना जहां पर भी आ जाए, जितने भी दे रखे हो, दो लोग दे रखे हो, उनका योग तो दे रखा है आपके पास, उससे क्या करेंगे? केवल ओनली 2 से ही आपको डिवाइड दे रहा है, तो फाइनली आपका आंसर आ जाए। जो जयेश की आय कितनी है, देखो अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना दे रखा है? 48 वर्ष है, कितना दे रखा है? फाइनली 48 वर्ष दे रखा है। तो जितना और उतने की बात आती, केवल 2 का डिवाइड दे दो तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 2 और 4 यानी 24 वर्ष। आंसर कितना आ गया आपका? 24 वर्ष आ जाएगा आपका फाइनली आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर करना है आपको 43। देखो 43 में क्या कहा गया है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रम से 36 वर्ष और 16 वर्ष है। देखो ए और बी 36 वर्ष और 16 वर्ष है, देखते हैं आगे क्या कहा गया है, वर्ष ये भी वर्ष दे रखा है। आगे देखो आपसे कहा गया है कितने वर्ष बाद ए की आय बी की आय से 2 गुनी हो जाएगी।
देखो जैसे नहीं आता है तो वो ऑप्शन से गलत। देखो दोगुनी की बात बोली गई है तो देखो इसमें कितने जोड़ दें, देखो अगर मैं चार इसमें भी ऐड कर दें, चार इसमें जोड़ दें तो ये 20 होगा, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, तो दोगुनी हो गई आइया। तो इसमें क्या करेंगे, चार वर्ष इसमें भी ऐड कर दी और चार वर्ष में इसमें भी ऐड कर देंगे, 16 4 कितने हुए 20 और इधर कितने हुए 40, आपकी दोगुनी हो गई, 20 से 20 दोगुनी कितने होते 40, तो आपको आंसर कितना हो जाएगा 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर करना है आपको 44। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर है 44, क्वेश्चन नंबर 44 में देखो क्या कहा गया है, 44 में कहा गया है एक स्त्री की आय अपने पुत्र की आय की 3 गुनी है, मतलब एक स्त्री की आय अपने पुत्र की आय से कितनी दे रखी है 3 गुनी दे रखी है। देखिए लिखते हैं पुत्र और पुत्र और माता, देखो ऑप्शन से करते हैं इस सवाल को भी, ऑप्शन जैसे तुम्हारे पास पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया तो पुत्र की वर्तमान आय कितनी होगी, यानी पुत्र की वर्तमान आय कितनी होगी, तो इधर पुत्र ही देखा दे रहा होगा तो 10 वर्ष, जैसे ऑप्शन ए में दे रखा है 10 वर्ष, ऑप्शन बी में दे रखा है 12 वर्ष, ऑप्शन सी में दे रखा है 3 वर्ष, एक सेकेंड 15 वर्ष, और ऑप्शन डी में दे रखा है आपके पास 18 वर्ष। देखो तो माता की आय पुत्र की आय से कितनी रखी 3 गुनी, तो अगर जो पुत्र 10 साल का हुआ तो माता की आय कितनी होगी 30 वर्ष, तो यहाँ पे 12 तियाँ कितनी होगी 36, 15 तियों 45, 18 तियाँ 54, मतलब माता की आय मतलब पता चल गई आपको, क्योंकि आपको यही निकालना था यहाँ से, अगर जो देखा जाए माता की आय कितनी थी 3 गुनी, अगर जो पुत्र 10 साल का हुआ तो माता की आय 30 साल होगी, उसी तरीके से अगर जो पुत्र 12 साल का हुआ तो माता की आय कितनी होगी 36 साल होगी। तो अब देखो मैं क्या करते हैं यहाँ पे, अब आगे देखो सवाल में ये कहा गया है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आय अपने पिता की आय का 1/6 थी, मतलब 1/6 थी, मतलब ये कहना चाहता है, तो मैंने 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे, 5 मैंने इसमें से भी घटा दिया, देखो पहले समय से 5-5 घटाएंगे, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन चेक करके देखते हैं, 5 घटाया तो कितना बचा 5, देखते हैं माता की आय का 1/6, मतलब तुम्हारे पास जो इसका 1/6 करेंगे तो मतलब 6 × 5 = 30, मतलब 5 का 6 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे कितने आ गई 30, तो ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाइड कर गया भैया। लेकिन आई कब की पिता की है, देखो पिता पिताजी भी होंगे, लेकिन आपसे सवाल में ये कहा गया था सवाल में ये कहा गया था तुमसे, यदि उसका उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, मतलब 5 वर्ष बड़े होने की बात बोली है, अगर तुम्हारे पास ये पूर्व की ही तो आई आई होगी भैया, क्योंकि पूर्व की ही आई आई कितनी आई 30, 30 में कितने जोड़ देंगे, जो बाप बराबर वर्तमान में लाने के लिए 30 × 5 कितने हो गए 35, भैया बस काम हो गया आपका, क्योंकि आपके पास अंतर भी कितने का आ गया 5 का अंतर आया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा आपको समझा रही, आपके पास पुत्र की आय ये दे रखी थी, माता की आय मैंने क्या किया पुत्र का 3 गुना कर दिया तो इधर आ गई, ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे समय से 5 घटाएंगे, देखो 5 तो घटाए घटाएंगे समय से, लेकिन मैंने क्या किया एक को ही पहले ऑप्शन चेक कर लिया, तो अगर यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे 10 में से 5 गए तो कितने बचे 5 बचे ओनली, जब आपके पास 5 बचे तो यहाँ पे देखो आपसे 6 पूछा गया 6वां भाग, तो 6 × 5 कितने होते 30, तो आपके फाइल कितने आ गए 30, लेकिन वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे उसमें मैंने 5 क्या कर दिए ऐड कर दिए, और इन दोनों के बीच में देखो डिफरेंस कितने का आ गया 5 का, 5 साल पिताजी बड़े हो गए, मम्मी कितनी होगी 5 साल छोटी होगी, तो फाइनली आंसर कौन सा हो जाए ए ऑप्शन करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, तो शायद समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर करना है 45। देखो 45 में क्या कहा गया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखते हैं आगे दिया गया सवाल में, सवाल नंबर 45 में ये कहा गया,
यदि गुलजार की वर्तमान आय में से 6 घटा के, देखो गुलजार की वर्तमान आय, गुलजार की वर्तमान आय में से कितने बोला गया, यानी 5-6 घटा के, 6 घटा के 18 से भाग देने पर किसकी आय प्राप्त होती है, अनूप की आय प्राप्त होती है, अनूप, अनूप की आय प्राप्त होगी। आगे देखो सवाल में कहा गया है महेश की आय 5 वर्ष है, महेश की आय 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। देखो बहुत काम हो गया, महेश की अगर जो आय 5 वर्ष है और अनूप की आय से महेश कितना छोटा है, 2 वर्ष, तो अनूप की कितनी होगी, 3 वर्ष निकल आई यहां से। तो देखो यहां से करेंगे गुलजार सिक्स और 18 दिया, फिर यहां पर कितनी होगी 3, 18 दिया कितनी होगी 54 और 6 बार तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो गुलजार बराबर कितना आ जाएगा 54 और 6 कितने हो गई 60 वर्ष, आपका आंसर कितना आ जाएगा 60 वर्ष। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे दे रखा था गुलजार की आय, गुलजार की आय से 6 वर्ष कम और जिससे डिवाइड किससे दे रही थी 18 से, तो किसकी आय आ रही थी अनूप की आ रही थी, और अनूप की आय देखो महेश की आय से 3 वर्ष मतलब 2 वर्ष कम थी, और जो महेश 5 साल का था तो 2 वर्ष कम करेंगे तो कितने बचेगी अनूप की आय, 3 बचेगी, 18 कितने हो गए 54 हो गए, 6 बात जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें से, देख लेना आप ऑप्शन नंबर आपका। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर करना है आपको 46, आपका चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है अब। तो 46 में देखते हैं, 46 में ये कहा गया है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष, और 46 क्वेश्चन में करा चुके हैं, 46 क्वेश्चन नंबर 20 के ही बराबर है, क्वेश्चन नंबर 26 और 20 वाला क्वेश्चन एक ही आपको क्वेश्चन है दोनों। तो आपको अगर जो नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर आप 20 जाकर के देख लीजिए, आपको 20 वाला मिल जाएगा, 20 के ही तरीके से क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है 46 क्वेश्चन नंबर है, तो आप लोगों को देखना है वहीं से करना है, तो नहीं करा रही ये वाला क्वेश्चन। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर करना है आपको 47, आप लोग बीच से वीडियो जा करके आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 46 वाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह गया, तो 47 में ये कहा गया है एक व्यक्ति की आयु माता की आयु का 2/5 भाग है, मतलब एक व्यक्ति की आयु देखो माता जी हैं, माता है और व्यक्ति, माता और व्यक्ति, एक माता और व्यक्ति, मतलब कौन से कौन से व्यक्ति सही है, देखो माता क्या की मतलब अगर जो व्यक्ति 2 साल का होगा माता जी की आयु कितनी होगी, यानी 5 वर्ष होगी, और व्यक्ति 2 साल का होगा तो माता जी की कितनी आ जाएगी 5 वर्ष। देखो आगे बोला गया सवाल में क्या कहा गया, 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधी होगी, देखो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद माता की आय व्यक्ति, माता की आय व्यक्ति की आय से कैसी होगी आधी होगी, अगर माता जी की आय 2 तो व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो आपसे पूछा गया है उसकी माता की आय कितनी होगी। देखो करते हैं वर्तमान आय पूछी गई आपसे और ये भी करंट का ही रेशियो दे रखा है आपके पास, तो यहाँ से देखो डिफरेंस लेते कितने का आ गया, इधर 3 का डिफरेंस नहीं बराबर है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 का, और इसमें देखो 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3 का अंतर कर दो तो ऊपर आ जाए 5, 2, 3, 2, 6 और 3, 1, 3, तो आपको इससे मतलब ही नहीं, करंट का रेशियो आपके पास ये पता चल गया। तो आप देखते हैं 1 बराबर कितना दे रखा है, 1 बराबर किसके दे रखा है 8 का दे रखा है, 1 बराबर जब 8 दे रखा है तो आपको माता जी की आय याद करनी है, देखो माता जी की आय कितनी है
5 दे रखा, 8 पंच 40, फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। शायद समझ में आ गया होगा, माता जी की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, अब चैप्टर आपका खत्म ही होने वाला है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर करना है आपको 48। देखते 48 में क्या कहा गया है, 48 में ये कहा गया है स्नेक की आय अपने पिता की आय का छठा भाग है, मतलब स्नेक की आय अपने पिता की आय का छठा भाग है, मतलब छठा भाग दे रखा है, सही है। आगे बोला गया 10 वर्ष बाद स्नेक के पिता की आय विमल की आय से दुगुनी होगी, 10 साल बाद कितनी होगी, दोगुनी की बात बोली गई। आगे देखते हैं सवाल में क्या कहा गया, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आय ज्ञात करनी, मतलब तुम्हें स्नेह की वर्तमान आय ज्ञात करनी। तो 2 वर्ष पूर्व की बात हुई, तो आज की मैं बात करें कि देखो विमल की आय कितनी होगी, आज विमल की जो आय होगी, विमल की आय होगी आज, देखो 2 वर्ष पूर्व की बात बोली है तो 2 उसमें ऐड जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष, मतलब विमल की आय कितनी होगी, 10 वर्ष होगी। जब विमल की आय 10 वर्ष होगी तो 10 वर्ष बाद की बात करेंगे तो विमल की आय कितनी हो जाएगी, 20, और 20 दूनी पिताजी की आय कितनी होगी, 20 दूनी 40 हो जाएगी। लेकिन अभी की मैं बात करेंगे तो पिताजी की आय अभी कितनी होगी, 30 साल होगी। तो यहाँ पे देखते हैं पिता की आय तो वैसे तो 40 होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो 20 होगी तो 20 दूनी कितने हो जाते हैं वर्तमान, और अभी की मुझे आय चाहिए तो यहाँ पे कितनी होगी पिताजी, 30 साल की, पिताजी 30 साल के। तो आपसे पूछा गया स्नेह की आयु कितनी होगी, देखो स्नेह की आयु का एक, पिताजी की आयु का 1/6 भाग निकालना, देखो 1/6 निकालेंगे, देखो 30 में क्या कर दोगे, 6 का डिवाइड, 6 × 5 = 30, तो स्नेह की आयु कितनी आ जाएगी, 5 वर्ष। आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 5 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर करना है आपको 49। 49 बच्चों करना है क्वेश्चन नंबर 49, देखते हैं 49 में क्या कहा गया है, 49 में ये कहा गया एक पिता तथा पुत्र की आय 10 वर्ष बाद 5:3 हो, 5:3 के अनुपात में होगी। देखो एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद अनुपात कितना दे रखा है, 5:3। देखते हैं आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है जब 10 वर्ष पूर्व इनकी आय 3:1, 10 वर्ष पूर्व, देखते हैं 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व की बात बोलेगी, 3:1। तो आपसे देखते हैं क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आय ज्ञात करनी है, यानी वर्तमान आय ज्ञात करनी है। देखते हैं यहाँ पे, देखो इनमें भी डिफरेंस कितने का है, 2 का, इधर भी डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 2 बराबर कितना दे रखा है आपके पास, 10 और 10 कितने हो गई, 20 दे रखे हैं, तो 1 बराबर कितने आ गए, 10, 2 × 1 = 10 हो गई, तो 1 बराबर आपको 10 पता चल गया। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया पुत्र तथा पिता की वर्तमान आय, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आय, एक सेकेंड, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु, देखो 1 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करा दे रहे, 10 × 5 कितना हो जाएगा, 50, और इधर कितना हो जाएगा, 10 × 3 = 30। देखो आपसे ये तो पूछा गया, आपसे वर्तमान आय मतलब बाद की आय निकल के आई, अभी आय कितनी निकल के आई, बाद की आय निकल के आई, तो 10 में क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से भी माइनस, इसमें से ही, तो इधर कितना बचेगा, 20, और इधर भी फाइनली कितना बचेगा, 40। आपसे अनुपात पूछा गया तो 0 से 0 कैंसिल, 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 1। लेकिन आपसे ये पूछा गया है
पुत्र और पिता की वर्तमान मतलब अनुपात कितना, उधर पुत्र पुत्र एक है ये वाला, तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 1:2 आपका आंसर आ जाएगा, 1:2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर 8 के ही जैसा दे रखा है, सेम क्वेश्चन 8 वाला ही आपका दे रखा है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्या दे रखा है नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 50, आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर, अब बचे कम भी हैं, देखते हैं 50 में क्या दे रखा है। 50 में दे रखा है, इस समय मीना की आय अपनी बेटी की आय की 8 गुनी है, मतलब देखो मीना और बेटी, मार्कर और यार ये आठ गुनी, देखो मीना की है 8 होगी तो बेटी की आय कितनी होगी 1 होगी, तो आगे दे रखा है 8 वर्ष बाद मीना तथा बेटी की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद, यहां पर लिखेंगे 8 वर्ष बाद मीना तथा बेटी की आयु का अनुपात कितना हो रहा है 10:3, कितना हो गया यानी 10:3 हो गया। तो आपसे कहा गया है कि तो मीना की वर्तमान आय कितने मीना की वर्तमान आय निकालनी है तुम्हें, देखो तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, कहा नहीं होगा सॉरी हाँ हो जाएगा, 2 का डिफरेंस है, इधर भी डिफरेंस कितना है 2 बराबर किसके दे रखा है 8 की, तो 2 × 2 = 4, तो 1 बराबर कितना आ गया 4, तब 1 = 4 आ गया। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे मीना की वर्तमान आय बतानी है, मीना की देखो 8 × 4 कितने हो जाएंगे 32, मीना की 32 वर्ष हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 32 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक आ गया है, राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात दे रखा 4:3 है तथा उनके आयु का योग इतना दे रखा 16 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है अब 51 में देखते हैं क्या दे रखा है। 51 में कहा गया राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात दे रखा है राकेश और योगेश आयु का अनुपात दे रखा है 4:3 है। आगे देखो सवाल में दे रखा है इनकी आयु का योग कितना है 28 वर्ष है, इनकी आयु का योग कितना दे रखा है 28 वर्ष, तो 4 × 3 कितनी हो गई 7 बराबर कितना दे रखा है 28, तो 1 = 7 × 4 कितने हुए 28, तो 1 = 4 आ गए, देखो 4 × 4 कितने हो जाएंगे 16, 4 × 3 = 12। देखो सवाल में क्या पूछा गया आपसे, ऐसे सवाल में कहा गया है 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, देखो 16 जोड़ देंगे दोनों में, 16 इधर भी जोड़ देंगे और 16 इधर भी जोड़ देंगे, जोड़ते हैं 16 × 2 कितने होते हैं 32, इधर हो जाएंगे 6 × 2 कितने हुए 8, 2 4 से काट देंगे 4 × 8 = 32 और 4 × 7 = 28, तो 8:7 आपका फाइनली ऑप्शन हो जाएगा, अनुपात आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देखो राकेश और योगेश की आयु का अनुपात कितना दे रखा 4:7 दे रखा था, इन दोनों का योग कितना दे रखा था 28 वर्ष 7 = 28 दे रखा, तो 1 = कितना आ गया 4 किया गया, जब 1 = 4 किया देखो 4 × 4 = 16 हो जाएगा और 4 × 3 = 12 हुई, यानी 16 वर्ष बाद पूछा गया तो मैंने 16 क्या कर दिया, इसमें भी ऐड कर दिया, इस वाले में ऐड कर दिया, इन्हें ऐड किया तो 28 आ गए, इधर किया तो कितना आ गया 32, तो 8:7 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके 2 और बचे उसे भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तो इसे रफ कर दे रहे, क्वेश्चन नंबर करते हैं आगे वाला, क्वेश्चन नंबर करना है आपको 52 और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर होगा सेकंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर है 52। देखो 52 में क्या कहा गया है, 52 में कहा गया एक पिता की आय पुत्र की आय
कि वर्तमान आय की दोगुनी दे रखी, मतलब पुत्र की आय की कितनी है दोगुनी पिता की आय। आय कहा गया है यदि पुत्र की वर्तमान आय 20 वर्ष हो, मतलब पुत्र की वर्तमान आय कितनी रखी 20 वर्ष। देखते हैं देखो पुत्र और पिता, पुत्र की आय 20 वर्ष है तो पिताजी की आय कितनी है 40 वर्ष होगी। तो देखते हैं आगे क्या कहा गया है, तो कितने वर्ष पहले पिता की आय पुत्र की आय की तीन गुनी। देखो कितने वर्ष पहले की बात पूछी गई, तो बताओ मैं कितना घटा दें जो तीन गुनी हो जाए। आपको भी इतना तो पता ही होगा, तो 10 वर्ष इसमें से ही घटा देंगे, 10 इसमें से ही घटा देंगे तो कितने आ गए 30, इसमें से ही 10 घटाएंगे तो कितने बची 10। तो देखो 10 के कितने हो गए तीन गुना हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 वर्ष बाद आपका आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका 10 वर्ष, 10 वर्ष आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट करना है केवल ओनली, अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाले भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।